इन्वेस्टर आपको नहीं बताता पैसे लगाने कैसे हैं ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता बर्न hmm. करने के बारे में कैसे पैसे स्पेंड करने हैं किस प्लान के मुताबिक करने हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता अभी ये जो आप करना चाह रहे हैं इसका क्यों परफेक्ट टाइम है कोई hmm. ट्रेंड है जो इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है कोई hmm. किसी यू नो मनी इस तरफ फ्लो कर रही है बड़ी दफ़ा ये होता है कि जी आप आइडिया स्टेज हैं मगर बड़ी बड़ी मार्केट्स में और इंटरनेशनली कंपेरेबल मार्केट्स में इस आइडिया को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रही है और ये कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं hmm. पाकिस्तान में भी वी सी बहुत छोटे छोटे हैं ना uh -huh. मतलब हमारा कौन सा इधर यू नो तीन मिलियन डॉलर का वीसी फंड है कि वो कहीं मिनिमम

जब कोई रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट होती है तो सबसे रिस्कीस चीजें सबसे पहले जाती हैं। सो वैन इट कम्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग के अंदर भी देखें वट इज द रिस्कीस प्लेस इमर्जिंग वुड बी रिस्कीस्ट फिर वो जो हमने देखा है गुरबत mm -hmm, का mm -hmm. कुछ भी नहीं होता था राइट कोई बीस हजार डॉलर डाल दस हजार डॉलर डाल रहा है इन्वेस्टर्स का भी इसी किस्म के टिकट साइज होते थे और वो डाल के भी एक्सपोर्टेशन थर्टी डॉलर डाल के कंपनी ले ली एक्सप्लेशन 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 सबसे पहले मुझे भी बताएं पॉडकास्ट का तो जो टाइम था जो सामने मैं गड़ी में देख रहा था वो छह बजे आप दोनों तो आए हुए हैं और मुझे पता नहीं है कि हम कितनी देर मजीद गपशप लगाएंगे इस दौरान जबकि आप लोग यहाँ पे हैं हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी एट होम माय मदर माई मदर ये ये कह रहे थे कि पॉडकास्ट तीन तीन घंटे चल सकती है मैंने कहा मैं बता दूंगी हमारी बेटी इंतजार हाँ। घंटे नहीं चलानी द लास्ट यस यस यस

नो आई मीन पठान तो नहीं है अब आजाद आजाद कश्मीर से हैं सेंचुरी अगो अफगानिस्तान से आए थे हमारे ancestors, हाँ। but अब तो वो लैंग्वेज भी चलेगी सब कुछ बस पहाड़ी बोलते हैं कश्मीरी हैं बस आप आपकी जो वहाँ पर जो जुबान है जो पेरेंट्स बोलते हैं जो आप बोलते हैं वो कश्मीरी है राइट पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी कहते पहाड़ी। हैं पहाड़ी उसको बोलते हैं बट लाइक इनके मतलब फैमिली में लोग परजियन बोलते होते थे जब पहले थे ईरान वाली राइट So, southern, like, अफ़गानिस्ट, अफ़गान, हाँ, जो पार्ट है। पर खान लगाते हैं नाम के साथ पर जब मेरी फैमिली में शादी हुई है तो सायरा बड़ा वो था कि अच्छा अब ये नॉन पश्तो स्पीकिंग में शादी हो रही है क्या है तो जब ये पता चला ना कि उमर दुम्बा कितने शौक से तो फिर मेरे अबू ने कहना शुरू किया कम अज कम दुम्बा तो खाता है कम अज कम दुम्बा तो खाता है <laughs> कम कम दुम्बा तो खाता है मतलब वो वाला मसला नहीं है होता ना लोगों को स्मेल आती है ये है वो है नहीं नहीं इतना दुम्बा शौक से खाता है कि जब ये मेरे घर जाता है आई थिंक मतलब हमारी शादी को सिक्स ईयर्स हो गए आई थिंक उम्र जब मेरे घर गया है नाइन्टी एट परसेंट ऑफ़ द टाइम दुम्बा पकता है इसके लिए बट हाउ हाउ यू गाइज मेट लव लव स्टोरी स्टोरी है <arranged> है है मैरिज हाइब्रिड लॉन्ग हां हां वी बीन टुगेदर नाउ फॉर 12 इयर्स ओह वाओ और एक्चुअली हम अपने इन्वेस्टर्स को भी ये बताते थे तो जब इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर रहा होता है ना उसके बारे में आगे बात करेंगे पर जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो ये देख रहा होता है कि को फाउंडर्स का रिलेशनशिप क्या है कैसा है दोनों का वर्किंग स्टाइल कैसा है तो ये थोड़ा सा रिस्क कभी कभी होता है कि अगर वो रिलेटेड हो तो मतलब यू नो फैमिली में कोई डिस्ट्रप्शन होगी तो दोनों ऑफ हो जाएंगे ये नहीं होगा कि कोई एक डिस्ट्रप्टड है दूसरा चला लेगा प्रोसेस तो थोड़ा सा होता है और स्पेशली जब आप हस्बैंड एंड वाइफ में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो फिर तो उनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपने देखना होता है कि मतलब यू नो वर्किंग कैसा है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन, इनकी डिवोर्स हो जाएगी और हमारी कंपनी भी ठप हो जाएगी और ये हमारे पैसे डुबो बेसिकली तो हम उनको यही बताते थे, थे कि हमें 12 साल हो गए हैं और हमने एक्चुअली पहले भी बिजनेस इकट्ठे करने की कोशिश की हुई है या किया हुआ है काम इकट्ठे तो अब हमें इतना टाइम हो गया कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम एक्चुअली इस्लामाबाद में बड़े हुए सॉरी मैंने कहा था मैं आज उम्र को बातें कर रही हूँ ये वाली स्टोरी है ये वाली स्टोरी ये ये, ये स्टोरी किसकी फेवरेट है हम उसकी जुबानी सुनना चाहेंगे जिसकी फेवरेट है ये स्टोरी स्टोरी टेलिंग में मीना बहुत बेहतर है थोड़ा सा मसाला वगैरह लगाएगी तो I आप think, आप think, करना ज्यादा मसाला लगाया <laughs> तो हमें बताना बिल्कुल सो सो बैक इन टू इज जब आपकी पहली मुलाकात हुई जी एक्चुअली पहली उससे भी पहले हो चुकी थी क्योंकि हम लोग इकट्ठे इस्लाबाद में काइंड kind ऑफ of बड़े हुए हैं तो इस्लाबाद में जब आप एक टाइम पे इकट्ठे बड़े होते हो तो डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट लोग मगर एक ही क्लास में होते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल के इवेंट्स पे मिलते रहते हो ट्यूशन सेंटर्स पे यू नो एक ही बैच होता है इकट्ठा तो उम्र की क्लास में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे ये डिफरेंट स्कूल में था मैं डिफरेंट स्कूल में थी बट बहुत अच्छे दोस्त थे ये में था मैं असास में थी लेवल्स नी थी तो हमारी ट्यूशन सेंटर एक ही जाते थे केमिस्ट्री पढ़ने तो एक को देखा हुआ था जान पहचान मतलब सलाम दुआ टाइप थी बट देन फास्ट फॉरवर्ड टू थाउजेंड एंड टेन इज वी एक्चुअली मेट अगैन स्टार्ट टॉकिंग और फिर तब रिलेशनशिप शुरू हुआ फिर टू थाउजेंड थर्टीन में आ, मंगनी हुई फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन में शादी हुई दरमियान में टू ईयर्स हमने लॉन्ग डिस्टेंस किया मैं फुल ब्राइट पर चली गई यू एस तो फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन में हमारी फाइनली शादी हुई और फिर बस टू थाउजेंड अब क्या हो गया 22, 2022. 22, okay. और, और आपका मेजर्स किस में मैंने एम बी ए किया था यू एस से वो तो ऑन्टरप्रीनरशिप फोकस्ड ही था मैं बैप्सन कॉलेज गई थी बट उससे पहले मैंने से किया हुआ है मैंने बी बी ए किया था फास्ट से mm -hmm. और उम्र ने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है अकाउंटेंसी से सो so, वो तो पढ़ाई मैंने स्कैन से की थी एंड एस बी एम बट मोस्ट ऑफ इट बस घर में खुद ही like um, mm -hmm. yeah, उसके बाद ट वी सी साइड जो आपकी अर्ली लाइफ रही राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन राइट सबसे पहले जॉब कहाँ पर आपनेबर दैट इंटर्नशिप थी इंटर्नशिप लीडिंग टू अ जॉब थी डायरेक्टली जॉब थी क्या था सो so, मेरी अगेन सी ए वाले ट्रैक में आपकी पहली जॉब वो ट्रेनिंग ही होती है विच एडेड एट पी डब्ल्यू सी सो फोर ईयर्स मैंने वो किया था दस हज़ार रुपये मिलते हैं महीने के <laughs> तो तो पहले छह महीने हजार तो लाख मिले थे और उसके दरमियन मेरी शादी हो गई थी जब इसको दस हजार प्रति महीने के मिल रहे थे उस वक्त हमारी शादी हो गई थी एंड दैट इज वेरी स्ट्रेंज नॉर्मली जब आप पाकिस्तान में रिश्ता मांगने जाते हो और जब लड़की के घर वाले देखते हैं कि कितना कम आ रहे हो सही है इट वुड बी चैलेंजिंग एट दैट टाइम राइट क्या थोड़ा बहुत था नॉट टू मच ऑनेस्टली मतलब मीना कमा रही थी मीना वापस आ गई थी यूएसए शी वाज डूइंग और मैं ज्यूरिंग द ट्ड्स द एंड ऑफ माई ट्रेनिंग मैंने भी स्टार्टअप्स के साथ काम शुरू कर दिया था एज अ फंड रेजिंग कंसल्टेंट फाइनेंस कंसल्टेंट तो मेरा वो भी चल रहा था सो um, ये so yeah, हमारी थीम भी ये रही है कि हम मल्टीपल चीज़ें एक वक्त पे करते, करते हैं करते सो एक वक्त में मीना चार जॉब्स के लिए करी थी मैं थ्री थ्री टू तो फोर कह रहा था सो so, गुजारा चल गया <laughs> तो हाउ इज़ द योर पेरेंट्स रिएक्शन जबकि आपकी सैलरी ज़्यादा थी उम्र से एट दैट टाइम और जबकि वो एक किस्म से मेरे ख्याल में छः दस हज़ार तो स्टेपेंड ही होती है यार तो, सैलरी से, तो। थोड़ी होती है और जब आपकी नौकरी भी पक्की नहीं है तो टेल मी समलेंजेज़ज यार जो आपकी उस वक्त अपने पेरेंट्स से कन्वर्सेशन हुई यार कि ये लड़का तो सही है तुम तो बड़े अरसे से इसको जानती हो बट

कौन सी कंपनी में काम करता है सरकारी मुलाजिम है नहीं है गाड़ी है नहीं है राइट सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग यार बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस लड़के के लिए जबकि सही है आपके साथ रिलेशन ah. है सही है लेकिन आपके अब आप पाकिस्तान में तो फैमिलियों की शादी होती है इंडिविजुअल्स mm -hmm. की नहीं होती <laughs> right. राइट तो नॉर्मली

तो उस वक्त उमर सीए के पेपर्स दे रहा था तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट थी आप सोचते तो कुछ और हो आप सोचते तो अच्छा अभी इसके पेपर शुरू हुए हैं तो बस जी इतने टाइम तक ये पेपर दे देगा वो मॉड्यूल डी एक होता है सी में वो आप करते हो तो फिर आपकी आर्टिकल शिप शुरू होती है फिर आप वो फर्म के अंदर जाते हो तो हमारे ख्याल तो बस उस टाइम पर ये इसका मॉड्यूल डी क्लियर होगा ये फर्म शुरू कर देगा मैं दो साल वहाँ गुजारूँगी मैं वापस आऊँगी तो इसका यू नो डेढ़ साल रह गया होगा या साल रह गया होगा वो साल आपका तैयारियों में गुजर जाएगा फिर हमारी शादी हो जाएगी तब तक इसकी भी जॉब शुरू हो जाएगी और खैर से अल्लाह वो सर ने मॉड्यूल डी नहीं क्लियर किया <laughs> <थीक है। laughs> बहुत पेपर मुझे भेजा अमरीका पीछे लगाई डोटा ठीक है और अगले दो साल इसने कहा डोटा खेलो मजे करो मॉड्यूल डी तो खैर है होता रहेगा तो तकरीबन जिस वक्त मैं वापस आ रही थी ना है ना देट वॉज वेन यू क्लियर Almost. Yeah, so you came back वो भी ऐसे में इसके अबू ने कहा अच्छा, आखिरी दफा कर दो बगैर पड़े गया बिल्कुल उस टाइम उस दफा इसने क्योंकि इसने सोचा था अब मैंने करना ही नहीं, mm -hmm, नहीं। ये बगैर पड़े गया और इसका मॉडल डी हो गया क्लियर अब तब अगेन फिर वो मुसीबत खुल गई हमने तो डिसाइड कर लिया था कि अब ये ये कर ही नहीं रहा क्योंकि आगे साढ़े तीन साल हैं आर्टिकल्स में मगर जब मॉड्यूल क्लियर हो गया तो इसके अबू ने कहा अब तो कर लो तुम आगे मतलब अब क्या छोड़ना है जो भी है तो 2015 के एंड में ये इसने 2015 में मैं वापस आई थी उम्र टू टू फिफ्टीन में यूएस में थी तो दर आई केम बैक इज वेन ही स्टार्टेड हिज आर्टिकल्स अच्छा अब जब मैं यू से वापस आई थी दो साल में नवाज जाके अच्छा थोड़ा रिवाइंड कर दो हजार दस में दो हजार पंद्रह से नहीं मैं समझ रहा था कि चलो चौदह में आ जाऊं ये तो आम तौर पर जब लोग हमें बुलाते हैं ना पॉडकास्ट पे आ? तो सारे काम की बातें पूछते हैं ठीक है मजे की बातें तो कोई पूछता ही नहीं है तो अब आज आपने पूछ ली है तो मैं चाहती हूँ सुना दू ये कहानी ठीक है दो हजार दस में जब उम्र ने मुझे कहा कि जी मुझे आप पसंद है उस टाइम पे मैं हो रही थी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट दो में हुए थे हम ग्रेजुएट ठीक है मेरी क्लास में तकरीबन सबकी मंगनियाँ शादियां हो चुकी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी मंगनी तो हो ही गई थी और बस था कि सबकी शादियां हो रही हैं मैं जी टेन थ्री में रहती थी इस्लामाबाद में जहाँ पे एक बड़ा मतलब एक मिडिल क्लास किस्म का वो है सारा सेटअप है वहाँ पे सारी लड़कियों की वहाँ भी जल्दी जल्दी शादियाँ हो जाती हैं जॉब्स भी कोई नहीं करता करियरस भी याद सच नहीं होते और ओवर टाइम मैं भी इस फ्रेम ऑफ़ माइंड में थी कि बस अब यही होना है मतलब दो हज़ार जो भी है ग्रेजुएट होंगी रिश्ते आ रहे थे बहुत ज़्यादा तो बस था कि बस यू नो कोई रिश्ता पेरेंट्स डिसाइड कर लेंगे और शादी हो जाएगी तो जब इसने 2010 में मुझे कहा कि अच्छा मुझे यू नो आई लाइक यू है जो भी तो मैंने सिखा कहा मतलब तो थैंक यू आप बड़ी फ्लैटरिंग बात है मगर मैंने शादी करनी है तो ना वही मतलब थैंक यू सो मच मुझे बड़ा वो है बट मैं मैं शादी करने लगी हूँ तो इसने कहा कि अच्छा मुबारक हो तो किससे शादी करने लगी हो तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि किससे शादी करने लगी मतलब घर वाले हाँ, डिसाइड हाँ, कर लेंगे तो इसने कहा अच्छा तो तुमने किसी से भी करनी है शादी तो फिर मुझसे कर लो अगर तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुमने किससे करनी है शादी तो फिर मैं मैं बात तो सही है अगर आप

सही मतलब मैंने ना क्योंकि मैंने कहा ये हाँ। कितनी इंसल्टिंग बात है कि कोई किसी को बस ऐसा तो मजाक लग रहा है तो मैं मेरी शादी 2010 में मैं शादी करने को तैयार थी 2016 तक इस बंदे ने मेरी शादी नहीं शादी कर ली होती और वो जिस तरह की जिस तरह का वो सेटअप था जिस तरह का वो एनवायरनमेंट था जैसे लोगों से रिश्ते आ रहे थे देख रहे थे वो Uh, नहीं मेरी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती मेरी ज़िंदगी की hmm. प्रोजेक्टरी बिल्कुल डिफरेंट होती है आज मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं ऐसी बिल्कुल भी ना होती मतलब hmm. ज़िंदगी फ़र्क होती तो 2010 में फिर अच्छा फिर इसने उसके बाद मुझे मनाया शनाया जो भी हुआ एंड देन आर रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्टेड वी लाइक टीच अदर वी डिसाइडेड वी लाइक टीच अदर हमने अपनी फैमिली, अपनी फैमिली को बताया इस सभी फैमिली को बताया उन्होंने कहा है ये क्या बात कर रहे हो उसके बाद इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा अगले दो साल चुप हो गया ये फिर इसकी फैमिली ने खुद आके पूछा वो तुमने एक दफा कहा था शादी की उम्र हो गई है तो फाइनली तुमने कहा था तुमने एक लड़की से शादी करनी है तो 2013 में फिर हमने मंगनी कर ली और एक्चुअली 2013 में मैंने फुल ब्राइट की लिया और उमर ने मुझे बहुत ज्यादा इस पे मेरी मदर और आई थिंक उमर दो लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं तुम करो अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो जाओ दुनिया देखो क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी क्या मतलब शादी तो हो ही जाती है बट आपने कुछ किया हो जिंदगी में कुछ देखा हो कुछ एक्सपीरियंस किया हो ये क्या बात हुई तो माई मदर रियली पुष्ट मी मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती तकरीबन मुझे स्कॉलरशिप uh, के लिए अप्लाई कराया तो फिर मैं यूएस चली गई और मतलब वो मेरा मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई मेरा मेरा माइंड सेट कम्पलीटली चेंज हो गया तो खैर जब मैं वापस आई तो मेरा ये था कि अब मैं वापस जाऊँगी मैं आराम से नौकरी करूँगी दो तीन साल जॉब करेंगे हम दोनों तो खुश हैं आपस में क्या जरूरत है जल्दी शादी की तो कोई नहीं है तो कितनी yes. तो देर में ये भी कर लेगा अपना ये सोच के मैं वापस आई थी छः महीने के अंदर अंदर क्या हुआ था उम्र छः महीने के अंदर अंदर क्या <laughs> 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 क्योंकि मैं जैसे ही पाकिस्तान वापस आई जो वो प्रेशर था ना यहाँ पे तैयार कि अच्छा जी पहले ही, जब मेरी ट्वेंटी थर्टीन में मंगनी हुई थी तो लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कहना शुरू कर दिया था अब क्या जरूरत है इसकी जाने की <laughs> अब तो मंगनी हो गई है मिल गया था ना फुल ब्राइट मिल गया था तो जाने की जरूरत नहीं है बस अब शादी कर लो मंगनी होगी शादी कर लो जब मैं चली गई तो भी यही था अच्छा कब आएगी कब आएगी कब आएगी जब मैं वापस आ गई मेरे, लोगों ने मेरे घर रिश्ते भेजने शुरू कर दिए तो मेरे मेरे पेरेंट्स ने कहा इसकी तो मंगनी हाँ। हुई भी है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तक शादी नहीं हुई थी तो हमने एज्यूम किया कि रिश्ता टूट गया है लोगों ने कहना मुझे मैं जहाँ जाऊँ मुझसे लोग तुम्हारे वाले तुम्हें पसंद नहीं करते जो शादी नहीं होने दे रहे लगता है वो कुछ, मतलब इतनी किस्म के वो नेगेटिविटी और वो था कि वाकई आप उस प्रेशर के अंदर आप कहते हो तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते <laughs> मतलब तुम्हारी तुम्हारी मैंने कहा आर यू श्योर तुम तुम कह तो रहे थे कि खुश हैं इस रिश्ते से <laughs> पर क्या वो असल में ना खुश है और <laughs> वो नहीं चाहती मतलब लोग आपको आ आ yes, के लोग इस yes. तरह की बातें करते हैं एक एक चीज को माइन्यूटली देखते हैं अच्छा उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया अच्छा तो ईद oh, में क्या yeah. आया अच्छा तो बर्थडे पे फलाने की कॉल आई कि नहीं आई इसका मतलब है कपल्ड विद द फैक्ट कि वो शादी भी नहीं करा रहे तो इसका मतलब है और मतलब नहीं मैं आप ये सोचो मतलब मैं बाद में मैं ये सोचती थी उस वक्त तो आपको समझ ही नहीं आती आपके साथ क्या हुआ जिन लोगों को इतनी परवाह थी कि हाय अल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही नहीं। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि जिससे वो मेरी शादी करा रहे हैं वो दस हजार रुपए कमाता है उन सारी आंटियों ने उन सारे अंकलों ने कोई हमें पैसे तो नहीं देने शुरू कर दिए उसके बाद कि मीना बेटा तुम शादी जल्दी कर लो हम देंगे तुम्हारी तनख्वाह ताकि तुम वो करो मतलब नोबड़ी नोबड़ी नो, नो कि जो वो प्रेशर हमारे ऊपर एज यंग कपल डाल रहे हैं जिसने ठीक है उम्र के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और वो हमारे पेट्रोल का खर्चा देते थे ठीक है मगर द प्रेशर कि आई हैड टू कंटिन्यू टू वर्क नो मैटर वॉट बिकॉज आई वॉज द प्राइमरी ब्रेड विनर फॉर आस राइट एंड उमर हैड टू मेक श्योर कि थिंग्स वर ऑन ट्रैक बिकॉज ही वॉज अंडर द प्रेशर कि अच्छा जब वो दस हज़ार का स्टाइपेंड है उसमें ज़िंदगी भी गुजारनी है और बीवी भी, भी खुश रहे और हम भी चलते रहे और सब कुछ होता रहे मैंने तीन तीन चार चार नौकरियाँ की एट अ टाइम तो वो बाकी तो किसी ने नहीं सोचा कि वो क्या अच्छा फिर बाद में ये प्रेशर भी शुरू हो गया कि बच्चे पैदा करो hmm. तो तब तक तो मुझे समझ आ गई थी फिर मैंने उनको ये डायरेक्ट लोगों को मैं कहती थी मैं कहती थी जिस वक्त आपने शादी कराई थी ना उस वक्त भी आपने ये नहीं सोचा कि अच्छा आपका होने वाला हस्बैंड दस हज़ार कमाएगा अगले दो तीन साल तक राइट hmm. right? तो हम या तो आपकी शादी डिले होने दें और या फिर हम आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दें तो आप ये चाहते हैं कि मी बींग द प्राइमरी ब्रेड विनर प्रेगनेंसी भी गुजारूँ चाइल्ड बर्थ भी गुजारूँ बच्चे को पालू भी सही मगर मेरे पास ये सपोर्ट सिस्टम ना हो कोई भी और मतलब उसी सारे प्रेशर के अंदर हम ये सब कुछ भी करते हैं सो वो दैट्स आई थिंक माई ओन लर्निंग एट दैट पॉइंट वॉज कि ये कहीं स्टॉप नहीं करता ये जो प्रेशर hmm. है और ये जो वो है ना उस पॉइंट पे आई थिंक मैंने रोमन ने रियलाइज़ किया कि हमने अपने सिस्टम्स बनाने हैं हमने अपने प्रोसेस बनाने हैं हमने अपने तरीके से करना है हमने hmm. इतना इन्जॉय किया हम पिछले दिनों बात करते हैं हमने जितना ट्रैवल किया है मैं और उमर बिल्कुल हम बिल्कुल इक्विटेबल पार्टनर्स हैं और लोग हैरान होते थे हमारी इस बात पे नहीं uh -huh. हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं ना तो हम 50 50 स्प्लिट करते हैं इज एन ऐप कॉल्ड स्प्लिट वाइज जो हम यूज़ करते हैं पर्सनल फाइनेंसेज स्प्लिट करने के लिए वो है और हम कभी ट्रैवल और हमेशा से उम्र दस हज़ार कमाता था मैं अलहमदिल्ला अच्छा कमाती थी उमर मेरे से कर्ज़ा लेता था और वो मुझे कर्जा वापस करता था अभी डिफॉल्ट आए... कर जाए तो लोन नहीं बार मिलेगा बट दैट्स वॉट वर्क फॉर आस लोग कहते थे क्या मतलब तुम लोग का तो एम या बीबी का तो एक ही होता है बट हमारे लिए सिस्टम चलता है ना वो यही सिस्टम चलता है हमने अपने फाइनेंस इसी तरह मैनेज किए हमने दबा के ट्रैवल किया एक एक साल में दो दो इंटरनेशनल ट्रिप किए और वो इसी तरह किए यहाँ से पैसे आए यहाँ से पैसे आए एक्स्ट्रा काम उम्र ने थ्रू आउट किया साइड मैंने दो दो तीन की एक्स्ट्रा काम किया से जो काम आया, हमने कभी काम को इनकार नहीं किया मतलब लिटरली आई थिंक मेरा अपना भी जिंदगी का यही मान था कि काम को इनकार नहीं करना नहीं। जो काम आए उसके बारे भी लोग मजाक दो ये कर लेंगे जो काम करने पे भी लोग मजाक हैं लोग लोग लो कहते थे आप इतना काम काम क्यों करते हैं आपको आपको कम काम करना चाहिए मतलब बड़ी और, और ये क्रिटिसिज्म क्या फ़ैमिली जो थी उनसे सुननी पड़ती मतलब हमारे चाचू अंकल फ्रेंड्स काफी थे क्योंकि उन, वो बड़ा, उनको, उनको आई गेस हमारे सर्कल में भी होते हैं तो माइंड सेट भी तकरीबन सेम होता है आई थिंक हमारे हमारे फ्रेंड्स जनरली हमें अप्रिशिएट ही उन्होंने किया है और उन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स ने बल्कि अपना माइंड सेट चेंज किया है जिन्होंने इवन जिनका डिफरेंट माइंड सेट था अबाउट वन पर्सन वर्किंग वन पर्सन नॉट वर्किंग टाइप का वो उन्होंने हमारा देख के रियलाइज किया है कि अगर हम खुश हैं तो शायद ये दिस मे बी दिस रियली वर्क मे बी दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप रियली वर्क्स क्योंकि हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई हर चीज़ स्प्लिट हो जाती है हम बच्चे बर्थडे भी करते हैं ना तो वो एक बंदे के ऊपर प्रेशर नहीं होता वो हंड वो कम्प्लीटली स्प्लिट होता है फिफ्टी फिफ्टी करते हैं हमने बच्चे का हमने अपनी बेटी का सिक्स मंथ्स पे अकाउंट खोला हम दोनों उसके अंदर हर मंथ पैसे डालते हैं और फिर उसके अकाउंट से उसके लिए चीज़ें करते हैं और ख़रीदते हैं और वो करते हैं मतलब एक आपके ऊपर से वो प्रेशर हट जाता है बहुत हद तक और फिर जो बाकी सब कुछ है वो भी हम स्प्लिट करते हैं मैं आपको भी थोड़े से पहले बता रही थी बोतलें धोने के भी अलहदा दिन है दिन थे दोनों के जब बिना पैदा हुई तो डाइपर भी चेंज करने पर हम स्प्लिट सो so, मतलब हमारा बहुत इक्वल एक, और इक्विटेबल स्प्लिट रहा है उमर गिव मी अ वेरी ऑनेस्ट आंसर ना जब 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 बिकॉज पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस है मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब दोनों पार्टनर जो हों वो वर्किंग पार्टनर्स हों और दे आर ब्रेड विनर्स फॉर देयर फैमिली एज वेल तो डिड यू एवर फील दैट जेलेसी फैक्टर के मेरी बेगम मुझसे ज़्यादा कमाती है और फिर आपको यूरोप में तो रह नहीं रहे कोई वेस्टर्न hmm. डेवलप्ड वर्ल्ड में तो रह नहीं रहे और आपको सुनना पड़ता है फैमिली से भी यार इवन यारों दोस्तों से भी हमारे यहाँ पर तो इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है कि यार क्या तुम बेगम के पैसों पे जो है मज़े कर रहे हो या तुम्हारी बेगम ज़्यादा कमाती है और तुम कम कमाते हो इस तरह का सो so, सुनने को तो थोड़ा मिला बट ऑनेस्टली लाइक रियली ऑनेस्टली मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ मैं तो इसको कहता था तुम और बेहतर करो मैं रिटायर मैं रिटायर हो जाता मैं मज़े करता हूँ तुम कमाओ मेहनत करो ऑनिसली um, ये सारी चीज़ें कम कम सैलरी कांग जो ये जेलसी वेरा इट एक्चुअली जस्ट कम्स फ्राम अ प्लेस ऑफ ईगो एंड ईगो इज द एनमी तो ऑनेस्टली मेरा कभी इतना ईगो रहा नहीं तो <laughs> शायद मुझे आसान लगा आई एम नॉट सी प्रेशर नहीं होता आई एम नॉट लेकिन ऑनस्टली मुझे नहीं इतना फील हुआ mm. और आई गेस क्रेडिट डज गो टू जो हम कह रहे हैं कि फैमिलीज और फ्रेंड्स कभी कभी ऐसी बात करते हैं बट इवन इन दिस इन दिस केस इज वेल क्रेडिट टू द के इस बात पे हमारी फैमिलीज ने कभी ये नहीं किया कि यार उम्र तुम नहीं तुम आ, तुम मर दो कोई कॉमेंट उन्होंने नहीं कभी तो वो सपोर्ट जब होती है तो फिर आप भी कहते हो ठीक है मैं आता आहिस्ता अपने पेस में मैं भी पहुंच जाऊँगा पर मेरी अपनी जर्नी है अपना पेस है इनशाला मैं भी पहुंच जाऊँगा जो कि हो गया बट बट ये भी बात है अगर लोग ज्यादा कह रहे होते तो शायद फील होता पर ऑनेस्टली हमारी फैमिलीज ने कभी इस पे Hmm. Uh, kind of मतलब उम्र को भी कभी उस लेवल पे नहीं गया और मुझे भी रिजेंटमेंट नहीं हुई कभी यार ये क्या बात हुई मैं कमा रही हूँ या मतलब वो mm -hmm. वाली रिजेंटमेंट वो इसी वजह से है क्योंकि एक हमने कॉन्वर्सेशन की बहुत ज्यादा हर चीज़ के बारे में और दूसरा ये जो मैं इक्वल स्प्लिट वाली बात करी हूँ ना वही बात है लोग हमारे इस पर मजाक उड़ाते हैं वापस और इस बात पर लोग मजाक उड़ाते थे ये क्या बात हुई बीवी कर्जा दे रही है वैसे वैसे क्यों नहीं दे रही बट देखिए जब आप देते हैं ना विदाउट एनी कैलकुलेशन या विदाउट एनी कॉन्वर्सेशन तो फिर डेवलप होनी शुरू हो जाती है hmm. कुछ अरसे बाद एक पर्सन को लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है yes. और दूसरे को कभी ये लग रहा होता है कि यार मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ या ये लग रहा होता है अगले को और करना चाहिए तो वो आइदर वे या तो एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है या वो फीलिंग ऑफ बिहोल्डन ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से अग्रेशन और वो ज्यादा हो जाती है

और एक और चीज़ जो हमने बहुत शुरू में बहुत क्लियरली डिस्कस की थी इसके हमारी जो पार्टनरशिप है ना उसमें जो वेल्थ है ना वो उसको हम फैमिली वेल्थ और ये हमने मतलब वर्बलाइज किया था डिस्कस किया था हम इसको फैमिली वेल्थ की तरह देखते हैं तो इसमें किसी एक पार्टनर की वेल्थ ज़्यादा होना इसका मतलब है फैमिली वेल्थ इंक्रीज हुई है बेशक वो उसका अकाउंट है और ये मेरा अकाउंट है अगर मेरी इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है फैमिली वेल्थ इंक्रीज़ हुई है तो हमने इस यूनिट को ना और दोनों की सक्सेस को और हम दोनों की सक्सेस में इक्वली इन्वेस्टेड है हमने कभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि एक बंदे का करियर दूसरे से कम इम्पॉर्टेंट हो या एक की सक्सेस दूसरे से कम इम्पॉर्टेंट हो तो हमने हम एक दूसरे के बिगेस्ट सपोर्टर्स वाकई हैं हम एक दूसरे के बिगेस्ट चीयर लीडर्स वाकई हैं मैं प्रेग्नेंट थी जब मुझे एक टेड टेड एक्स टॉक देने की ऑफ़र आई थी और मैं मतलब आई रिमेंबर मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी, थी, थी हाँ ऑलमोस्ट नाइन्थ मंथ स्टार्ट ऑफ माई नाइन्थ मंथ सुपर प्रेगनेंट राइट right? और तबीयत ख़राब और बहुत बुरा हाल एंड उमर पुष्ट मी टू डू इट लाइक इज लाइक हो ही नहीं सकता कि तुम ये नहीं मतलब तुम्हारे लिए तुमने ये करना है तुमने और फुल सपोर्ट लिखने में मदद प्रैक्टिस में मदद तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं हुआ कि जिसमें मुझे किसी तरीके से कोई होल्ड बैक करे और मतलब यू नो वाइस वर्स ऑल्सो सो वो जो एक uh, एक कोर बिलीफ है ना वो आपको फिर बाकी चीज़ों के ऊपर मतलब बाकी एवरी थिंग एल्स इज़ देन जस्ट पेरीफ्री राइट या वो बस एक सुपरफिशियल लेवल रह जाता है जब आपका कोर बिलीफ ये ना कि ये जो अगला पर्सन है ये मेरे मेरे साथ उतना ही इन्वेस्टेड है या मेरे मैं <laughs> उम्र मेरी इन्वेस्टमेंट है Hmm. मैंने अपने जिंदगी के इतने साल ah. इसको धके देने में गुजारे हैं ठीक है कि तुम ये कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो बिकॉज राइट एट द स्टार्ट उमर नाउली पुश इज मी टू डू थिंग्स राइट बट एट द वेरी स्टार्ट आई रियली पुश्ड हिम टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स तो मतलब वो मतलब एक वो जो हमारा वो जो जर्नी इकट्ठे गुजरी है ना और जो कॉन्वर्सेशन हमने बड़े अरसे पहले सीमेंट की हुई हैं उसकी वजह से आई थिंक वो वाली चीज़ नहीं है कभी भी नहीं आई हमारे mm. दरमियान में और अगर कभी आई है तो हमने उसको सॉल्व किया है सो so, रिसेंटली हमने रियलाइज किया ग्रोसरी पे खर्चा हो रहा है और कभी मैं करती हूँ कभी ये करता है और दोनों को समझ नहीं आती दोनों के पैसे लग जाते हैं और ये पता भी नहीं चलता कि यू नो असल में किसने किए हैं mm. तो देन वी क्रिएटेड अ ग्रोसरी बैंक अकाउंट उसमें हम दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डालते हैं उससे हम ग्रोसरीज की पेमेंट करते हैं जब लगेगा कि वो अमाउंट सरपास हो रही है तो फिर हम उसके अंदर टॉपअप डाल देते हैं और उससे हम अपनी नैनी का बिल अपनी बेटी के खर्चे अपनी चीज़ें सारे उस अकाउंट में से कर देते हैं बेटी का स्कूल है हम स्प्लिट करते हैं नैनी की तनख्वाह है हम स्प्लिट करते हैं तो फिर सिवाय पेट्रोल का वो मैंने डालती वो यही डालता मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था मैं पेट्रोल पर पेट्रोल इस्लामाबाद इस्लाम दो खर्चे नहीं लेकिन उमर आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप में ये जो अपनी वाइफ को पुश करने की एक एक वो है एक uh, एक, एक जज्बा है टू सी योर वाइफ बीइंग सक्सेसफुल जिस तरह आपको यूएस में भी इन्होंने धक्का दिया फिर आपकी टेट टॉक और ऑब्वियसली एट एट मेनी स्टेजेस ऑफ योर लाइफ योर हसबेंड एज सपोर्टिव ऑफ़ यू टू डू दिस सो सो आपको क्या लगता है ऐसा मतलब आपकी अब में कुछ कमाल है बिकॉज इन वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन पाकिस्तान राइट जहाँ पर नॉर्मली शादी के बाद ये होता है कि यार बस तुम घर में बैठी रहो बच्चों को देखो mm. क्योंकि घर का खाना बनाना है कपड़े धोने हैं ये करना है वो mm. करना है वट मेड यू पुश योर वाइफ टू डू वट यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर हर लाइक आपकी सिस्टर्स या आपके डैड भी इसी तरह थे सो वट वट Is going on on the back end to be a person like that. So obviously multiple reasons will be there. And upbringing obviously our overall makeup plays a big role. So definitely it will definitely there. So my mother was my mother had some difficulty uh, like continuing her career after she got married. But she fought. They said this is what I have to do. And then I think she get a lot of credit. But I think my dad gets a lot of credit too because they did it अपना माइंड शिफ्ट किया सो माई मदर वॉज प्रॉब्ली मतलब मैंने जो घर में देखा था आई ऑलवेज वर्किंग वूमन लाइक माई मॉम यूज टू टीच शी शी टॉट फॉर लाइक थर्टी और ईयर्स वो भी फिर वेल्स में फिर एडमिन में भी हेड मिस्ट्रेस भी हो गई थी सो um, so मैंने तो देखा ही सॉरी मैंने तो देखा ही सबसे पहले वो था एंड देन माई सिस्टर शी ऑल्सो फिर मेरे डैड का भी ऑबली वेरी अर्ली ऑन माइंड सेट शिफ्ट हुआ सो माई सिस्टर शी ही सेंट माई सिस्टर टू इंग्लैंड टू डू हर मास्टर्स इन लिए सो वो डेफिनेटली आई थिंक ऑनेस्टली आई कैंट थिंक ऑफ लाइक एन इंस्टेंट और अ मोमेंट कि मेरा कोई इस तरह माइंड बना इट मोस्टली सीम्स लाइक मैं पहले mm. ही सोचता था

Um, उसमें भी जो वाइज होती हैं वो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं सो टीचिंग लाइक आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं हर या गैरजन अकेडमीज़ होती हैं वहाँ प्रिंसिपल भी किसी की mm -hmm. वो होंगी और टीचर्स भी होंगे और फिर वो लेडीज़ क्लब भी होता है वो डिफरेंट चीज़ें कर रही होती हैं तो ऑनिस्टली आई थिंक इन द इन्वायरमेंट आई सॉ वॉज मोस्टली वेयर वुमेन वर डूइंग समथिंग एंड आई थिंक दैट

shadi we because you've been in this uh, startup and vc industry for like over 10 years like a decade now more than a decade right almost a decade, almost a decade. A decade yeah. Yeah. so, so yeah. what what mainly have you worked on like the vc side how is that world tell us like the dark secrets Hi, of, of dark that secrets. world बिकॉज इट वॉज लास्ट एयर ऑफ सम लाइक जब न्यूज में पढ़ा था कि पाकिस्तान की जो स्टार्टअप इको सिस्टम है बड़ा बूम कर रहा है बहुत yeah. बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही yeah, हैं और प्रेस रिलीज और न्यूज पेपर एंड वॉट नॉट लाइक एवरी आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट और हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई यूनिकॉर्न नहीं निकला सो सो वो वॉज गोइंग टेलस अ लिटल बिट अबाउट द स्टार्टअप इंडस्ट्री hmm. और फिर स्टार्टअप इंडस्ट्री ये दो साइड होते हैं ना hmm. एक तो वो जो कि स्टार्टअप होता hmm. है फिर पीछे से जो फ्यूल होता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल जो hmm. कि आपको वीसी प्रोवाइड करते hmm. हैं राइट hmm.

इतना एक्साइटिंग होता है यू नो स्टार्टअप्स इनोवेशन पीपल कमिंग होते इतने पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ज़बरदस्त आइडियाज़ तो मैं तो फुल वो हाई पे था और बड़ा मज़ा आ रहा था तो उधर एक मिडल ईस्ट का एक वेंचर फंड है बहुत बड़ा उसका एक पार्टनर आया हुआ था सो माई पार्टनर सोट इंट्रोड्यूस मी के दिस इज़ उमर ही इज़ आर एनालिस्ट ही जस्ट तो So to that partner from the Middle East Fund, he shook my hand and he said, welcome to the world of venture capital. Mm -hmm, mm -hmm. You will see some dark times ahead. Nahi hai. Because it you is, have a lot of money to invest in different <laughs> yeah, businesses. So, I Within two to three years, when a coffee dark <laughs> side of

जिसको हम कह रहे होते हैं या स्टार्टअप कह रहे होते हैं mm -hmm. वो टेक्कनेबल्ड होता है बट असल डिफरेंस ग्रोथ का होता है या ग्रोथ पोटेंशियल का होता है

सो right. yeah, yeah. So, मीना जो बात की ना अगर आप दो बिजनेस को लें uh -huh. और इनको देखें कि ये दो एसेट्स हैं mm -hmm. so, ये दो डिफरेंट एसेट्स uh, जो आप जिसको कह रहे हैं बिजनेस मैन उसको आप यू you नो know, प्राइवेट इक्विटी टाइप या लाइफ स्टाइल बिजनेस कहते हैं बिजनेस बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी मेरे घर का किचन चले यू you नो know, मैं कुछ बिजनेस बनाऊँ कोई साल बाद अगर मुझे महीने का सात आठ लाख रुपए बच रहा है तो ज़बरदस्त और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करूँगा यूजली अपने पैसे लगाऊंगा एक्सटर्नल कैपिटल यूजली नहीं लूंगा बाद में जाके आई कैन सेल इट या जो भी करूँ पर मेन मेरा मकसद होता है कि बॉटम लाइन जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे आए जो एक वी सी बिजनेस होता है उसका मकसद होता है टॉप लाइन और मार्केट एक्विजिशन Uh, और टॉप लाइन का मतलब है कि वही हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में अगर इतने एसएमईज हैं और इफ़ मेट्रिक वांट्स टू कैप्चर देम एंड दे वांट टू कैप्चर इट फास्ट बॉटम लाइन की हम बाद में बात करेंगे राइट नाउ वी वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट दे वांट टू यूज एंड देन वी वॉन्ट टू

वेबसाइट बनाता जो भी बनाता और फिर मार्केटिंग पे सारा स्पेंड करता पूरे पाकिस्तान को जल्दी से कवर करने की कोशिश करता सात मीना में एक्सपेंड करता ये करता वो करता सो so, जो टेक इनेबल्ड वाली मीना ने बात की है यूजली जो वेंचर कैपिटल का एसेट है हाउ दैट विल मेक यू मनी इज़ बाई कैप्चरिंग मार्केट शेयर एंड देन गोइंग आई Mm -hmm. Or selling the shares to a big big investor. Mm. How this makes money is increase profitability slowly, slowly, slowly make mm. it profitable. Mm. It's maybe obviously you can it sell cool. it later. Yeah. Mm. Obviously you can sell it later. But aapka jo aim hai, mm. it's for making money. Your aim is market acquisition. That's yeah. why you get money from somewhere else. So the VC says, hum mm -hmm, we'll mm -hmm. provide the working capital, we'll provide you with cash flow. You go out there, create something that can capture market scale. मार्केट शेयर क्विकली और मार्केट साइज भी बहुत बड़ा हो सो mm. so, अगर फॉर एग्जांपल हम हमारी कंपनी ले अगर हम अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते अगर हम लाइफस्टाइल बिजनेस होते तो हम कंसल्टिंग सर्विसेज जिस तरह सारे कहते हैं लोगों के पास जाते हैं आप अकाउंटिंग yes. हमें दे बंदे बिठा देते अकाउंटेंट्स बिठा दे करते रहते mm. उसकी स्केल स्लोर होती क्योंकि आप कितने अकाउंटेंट उठा दोगे चार सौ पांच हम एम करते पांच छे सौ क्लाइंट हमारे होंगे इतना प्रॉफिट आ जाएगा पांच mm. छे साल बाद और हम प्रॉफिट कमाते रहेंगे बट वी made the other thing. If we want to reach millions of businesses And fast. Not, not 100, 200, 600, 000. Mm -hmm. If we want if we say puri mein millions of businesses have this accounting ka, and we want to reach all of them and we want to reach it quickly then you have to have a tech enabled solution that can scale because we can't we a million accountants True. Right. So our app is the accountant and we use venture capital money to penetrate markets quickly iterate quickly improve the product quickly get that market share and then we, we obviously we do think about a path to profitability

इन hmm. दोनों का कोई मिडिल ग्राउंड है जिसमें द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड आ जाए वो ग्रोथ भी फास्ट वाली आ जाए बट इट कम्स विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉट दैट मैट कैश बर्न लाइक आई आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आप लोगों का ऑलमोस्ट अट एक्सपीरियंस हो गया है एंड आई प्रोमिस आई विल नॉट आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक कोई बैलेंस है लाइक like जिसमें हम दोनों बेस्ट मुझे <laughs> <देने थाने> था। <laughs> बहुत जोर आई नो <laughs> मैं बैलेंस होना चाहिए इट इवन इफ आई एम बिल्डिंग वी कैन केयर्स अबाउट बॉर्डर लाइन लेट्स जस्ट You know, mm -hmm. हम लोगों को बर्गर खिलाते हैं आप मेट्रिकबिलिटी शुड ऑलवेज बी ऑन द माइंड और जब आउट ऑफ हैंड हो जाता है then, 2021 जैसा साल होता है की यार ये हो रहा है और फिर एकदम लोगों को समझे तीन सौ मिलियन डॉलर 6 more than like the last six years combined yeah. way, more so. than, but, and that was globally by the way not just in Pakistan yeah. Turkey may exactly same hoa. turkey saw the biggest inflow of money in the VC side of things so sorry measures actually I was going to say that is the dark side of VC mm. as founders and any founder that actually cares about the problem they're trying to solve and cares about the company they're trying to build इफ़ नॉट मिल ग्राउंड तो थोड़ी सी सिक्यूर थोड़ी सी कोशिश करेगा या करेगी कि वो 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 पाथ्स उसको मिल जाए राइट right? जो वी सी मनी है ना वो आपको पुल करती है टूवर्ड्स दैट क्रेजी बर्न वाली साइड बिकॉज जिस तरीके से वी सी मनी इन्वेस्ट की जाती है ना जो उसके पैटर्नस इमर्ज करके आए हैं वो फ्रैंकली उन्हीं बिजनेसिस के पास पिछले इतने सालों में उन्हीं बिजनेस के पास ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी गया है जहाँ पर वो क्रीजी

कॉमर्स इट इज एट क्लास इट इज प्ले मैंने जो जो मीना ने भी शुरू में बिफोर दिस पॉलिसी पोर्टफोलियो तो आपका जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है जो इन्वेस्टर्स है उनका पोर्टफोलियो होगा देव गवर्नमेंट बॉन्ड्स देव स्टॉक्स देव लाइफ स्टाइल बिजनेस जो वो फाइव परसेंट या थ्री परसेंट के ओडेवर देव देकेटेड फॉर स्टार्टअप उनका काम ही यही है दिस इज़ और वो छक्के वाला छक्का mm. आउट हो गया या छक्का लगा खैर है ये फाइव परसेंट माई पोर्टफोलियो है और पर मैंने कहा इट गेट्स आउट ऑफ हैंड और आपने कहा कि वाई वाई डू दे स्टिल गो टर्स दिस बिकॉज इवन फॉर एवरी लाइक हंड्रेड नाइनटी फेल स्टार्टअप देर आर टेन स्टार्टअप जिनके वो छक्के लगे राइट एंड गुड कंपनीज राइट नॉट जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ऊबर और कलीम लाइक कंपनीज लाइक स्लैक कंपनीज़

ये वाले पैसे मेरे इस काम के लिए टेन मैंने, मैंने परसेंट मैं प्रॉपर्टी में डालूंगा हाँ। और मैं किसी रियल इस्टेट वाले को दे दूँ ये मेरे इतने करोड़ या इतने अरब रुपए हैं हाँ। ये मेरे प्रॉपर्टी में डालने वो अगर जाके उसको स्टॉक ट्रेडिंग में लगा दे और वो कहे इससे मैं आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दूंगा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा कहेगा सेफर इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड ले तो इन्वेस्टर्स को कहेगा भाई जो मैंने बॉन्ड्स के लिए एलोकेट किए करने थे मैंने किए हुए हाँ। ये काम प्रॉपर्टी के लिए तो प्रॉपर्टी में ही डालो तो उसी तरह ये फाइव परसेंट मेरा वीसी स्टाइल बिजनेसेस के लिए उसी में डालें तो क्या? वो वही वो छक्का या तो वो यूनिकॉर्न वाला है या हाँ। या बंद है एंड देर ओके विद दैट वीसी मनी इज ओके विद कंपनीज शटिंग डाउन बिकॉज हमें पता है कि दस में से एक छक्का लगेगा नौ बंद होंगी वो ओके okay ओके -okay चलती नहीं रहेंगी उन्होंने बंद होना है बिल्कुल तो क्या ये जब स्टार्टअप्स फाउंडर्स फंड रेज करने के लिए जाते हैं तो सम हाउ दे आर कंपेल्ड या सम हाउ दे आर काइंड ऑफ मजबूर फ्राम दी सी साइड का सही है बेटा आपको दस परसेंट एक्विटी के अगेंस्ट अगर एक करोड़ रुपए चाहिए हम आपको दे रहे हैं बट देर आपने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में इसको बर्न करने है स्पॉडकास्ट फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर और मैं चाह रहा हूं कि आई विलव यू टेन परसेंट ऑफ द इक्विटी गिव मी वन करोड़ आई नीड टू मार्केट आई नीड टू हायर बेटर पीपल फॉर फॉर क्लिपिंग फॉर रील्स फॉर वेबसाइट फॉर आर्टिकल एंड टू ब्रिंग ऑन मोर पीपल एंड मे बी किसी को फ्लाई कराना हो बाहर से उनको टिकट वगैरह आई नीड फंड जेनवन रीजन टू टू रेज मनी राइट so i come to you because you have been on the other side of the table as well. Yeah. you said, okay, i yeah. will give you that one crore rupee for 10% equity or you will negotiate yaar. Nahin, mm -hmm. uh, uh, based on the valuation. it, it should be 15% for one mm -hmm. crore, whatever that situation is. if i'm getting funds from you, what are some of the clauses that you have seen by working with these vcs? you being yourself. Yaar, the practice in the market, ke ab, kya, rakhenge, mujhe wo ek crore? Dene ke liye?

इन्वेस्टर आपको नहीं बताता पैसे लगाने कैसे हैं ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता बर्न करने के बारे में कैसे पैसे स्पेंड करने हैं किस प्लान के मुताबिक करने हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता मैं आपको पैसे दूँगी और फिर आपकी मर्ज़ी है आप उसको जिस चीज़ पे लगाएं जैसे लगाएं जैसे ना लगाएं पैसे देने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपका प्लान क्या है सो so, जो मैं आप कह रही थी ना इट्स दी वे अराउंड आप मेरे पास प्लान लेके आएंगे mm -hmm. और उस प्लान में आपने लिखा होगा कि अच्छा ये जो एक करोड़ मीना मैं आपसे ले रहा हूँ ये मैं तीन महीने में स्पेंड करूंगा या मैं छः महीने में स्पेंड करूंगा या मैं साल में स्पेंड करूंगा उसका यूज़ ऑफ फंडस ये है mm -hmm. इन इन जगहों पर वो स्पेंड होगा और इन इन चीज़ों पर स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचूंगा इतने टाइम में अगेन मुझे करोड़ रुपया चाहिए छः महीने में मैं उस करोड़ रुपए को बर्न करूंगा, यूज करूंगा इन इन चीज़ों पे एंड सिक्स मंथ्स बाद मैं यहाँ मेरी कंपनी पहुँच चुकी होगी इतने हम पैसे बना रहे होंगे इतने हमारे पास व्यूअर्स होंगे इतने यूज़र्स होंगे जो भी आपके मेट्रिक्स हैं फिर सिक्स मंथ्स बाद मैं जाके पाँच करोड़ रेस करूंगा इन्वेस्टर्स से उन पाँच करोड़ को मैं अगले एक साल में डिप्लॉय करूंगा इन 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 चीज़ों पे और अगले एक साल के अंदर हम यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर उसके बाद मैं दस करोड़ रेस करूंगा और वो मैं अगले एक साल यूज करूंगा और वो इन 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 चीज़ों पे और वो अग्रेसिव होता जाएगा जाहिर है क्योंकि अमाउंट ऑफ मनी बढ़ती जा रही है आपकी कंपनी का साइज बढ़ता जा रहा है फिर चार साल बाद हम अपना इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि मेरे ख्याल में मैं इसको फ्लिप कर सकूंगा या एग्जिट कर सकूंगा इससे तो आपको जो इक्विटी मिली हुई है उसके हिसाब से आपको उस टाइम आपका रिटर्न मिल जाएगा ये आपका प्लान होगा आप मेरे पास लेके आएंगे मैं एज एन इन्वेस्टर बिफोर आई इन्वेस्ट इन यू इस प्लान को अच्छी तरह देखूंगी, आपको अच्छी तरह देखूंगी आपकी कैपेबिलिटीज़ को आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को कोई पुरानी कंपनी आपकी उसको इस कंपनी जो है जिसमें मैं इन्वेस्ट करने लगी हूँ इसके करंट नंबर्स को के जो आप मुझे ग्रोथ सेल कर रहे हैं वो ग्रोथ पॉसिबल भी है कि नहीं yes, अभी तक अगर आपने उस पर यू नो आधा करोड़ लगाया है और वो दस तक पहुँची है तो और आप मुझे कह रहे हैं करोड़ लगाऊंगा तो मैं तो हंड्रेड तक पहुंचूंगा तो मैं कहूंगी ये कैसे पॉसिबल है mm -hmm. अगर पहले हाफ करोड़ पे दस है तो अगले करोड़ के ऊपर ट्वेंटी ऐड कर लेंगे mm -hmm. आपका mm -hmm. क्या प्लान है वहाँ तक पहुंचने का सो so मैं उस पर ड्रिल डाउन करूंगी आपसे सवाल पूछूंगी बहुत उस पर आपके साथ उस पर बैक एंड फोर्थ बहुत होती है असल में इट इज़ अबाउट बाइंग समबडी विजन राइट एज एन इन्वेस्टर आई हैव टू बिलीव इन वट यू सी एंड वट योर विजन इज़ क्योंकि मेरे विजन से तो फर्क ही नहीं पड़ता कंपनी में काम आपने करना है मैंने करना है मैं जो मर्जी सोचती रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके विजन के साथ मैं अलाइंड हूँ ना और मुझे यकीन आ रहा है कि ये जो बंदा बात कर रहा है ना ये पॉसिबल है और क्योंकि ये खुद जो है इसका पास ब्ला 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 सारा कुछ इट इज़ रियली पॉसिबल और बाकी मैं इंडस्ट्री को एनालाइज़ करूँगी कंप्यूटर्स को एनालाइज करूँगी सारा कुछ देखते हुए मुझे इसकी बात पर यकीन आ रहा है देन आई राइट यू द चेक एंड इट इज़ योर्स इसके बाद देर इज़ नो क्लॉज इन देयर दैट विल इवन मेक मी इनफोर्स कि वो जो आपने मुझे जो कसम खाई थी कि मैं छः महीने में hmm. इधर लगाऊंगा मैं उसको इन्फोर्स भी नहीं कर सकती सो अगेन इट इज़ अ वेरी ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप इन दैट सेंस जो प्रेफर जो उम्र लिक्विडिटी प्रेफ्रेंस वगैरह की yeah. बात कर रहे हैं वो मतलब वो आगे के क्लाजेज हैं उनमें ऐसा कोई वो नहीं है hmm. तो ये जो बर्न वाली आप बात करें एज ए वी जो अगर कॉन्वर्सेशन होगी तो ये होगी कि आप मुझे कहेंगे मुझे मुझे करोड़ रुपया चाहिए मैं एक साल में लगाऊंगा और सौ तक पहुंचूंगा सौ सेल्स करूँगा hmm. मैं आपको कहूंगी नहीं मेरे ख्याल में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आप करोड़ों रुपया लगाएं और आप छः महीने में दो सौ तक पहुँचें और उसको पहुंचने के लिए जाहिर है वो करोड़ रुपया आपको बहुत मार्केटिंग हैवी करनी पड़ेगी ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा सिक्स मंथ्स में टू हंड्रेड तक पहुंच के अगला फंड रेज करेंगे और उसके बाद जो है ना हम वन थाउजेंड तक डायरेक्ट जाएंगे ये हंड्रेड का टारगेट आपने बहुत छोटा रखा हुआ है hmm. बट बर्न करना बट 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 बींगाउंडर ऑफ माई कंपनी आई नो द नंबर इज बेटर ना कि अगर हम, मैंने सो so टारगेट रखा हुआ है लेट्स सो आई हैव गॉज द सिचुएशन द इको सिस्टम इतनी ग्रोथ हो सकती है बट इफ दी सी इज द हंड्रेड नंबर इज टू स्मॉल राइट टू बी एज अ टारगेट और आपको छ सौ रखना चाहिए hmm. तो यहाँ पर थोड़ी सी so कंफ्लिक्ट

देखिए वीसीबी किसी रीज़न की वजह से कह रहा है सिक्स हंड्रेड उसने भी एनालिसिस किया है

मतलब कस्टमर्स तक किस टाइम तक पहुंचे थे फिर उन्होंने कितने पैसे hmm. लगा के यहाँ तक पहुंचे थे उनकी बेसिस पे हम कोई एडजस्टमेंट्स okay, इधर कर रहे होते okay, okay. हैं बट दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत दफ़ा हम इसलिए भी बात करते हैं इमरजिंग मार्केट्स में और पाकिस्तान जैसी मार्केट्स में बहुत सारे लोगों को का जो माइंडसेट होता है ना वो भी एक स्कार्ट माइंडसेट होता है यानी कि हम जो बड़े होते हैं ना तो हम ये जान के बड़े होते हैं कि रिसोर्स लिमिटेड है चादर देख के पाओ फैलाओ yes. जो जो सिचुएशन है उसमें गुजारा करो गुज़ारा करना सीखो हमें बड़े होते हुए लोगों ने ये नहीं कहा कि दुनिया तुम्हारे कदमों में है जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो और जैसा जीना चाहते हो वैसे जियो रिसोर्स अनलिमिटेड है हमें कभी किसी ने ये नहीं कहा तो हम लोग एक माइंड के साथ मेजोरिटी एक पाकिस्तान में बड़े हुए हैं जो कि स्कॉट सिटी माइंड है कि चीज़ें लिमिटेड हैं हमने उनके अंदर रहना है तो जब मैं ये कहती हूँ ना कि यार मैं सौ कर सकती हूँ तो वो इस माइंडसेट के साथ है कि मेरे पास पैसे लिमिटेड हैं मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं मैं कम लोग हायर कर सकती हूँ मैं कम से कम लोगों में कैसे इसको कर सकती हूँ कम से कम पैसे लगा के कैसे इसको कर सकती हूँ मैं इस माइंड सेट स्विच ही नहीं कर सकती कि एक बंदा मुझे कह रहा है ये दो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तुमने बस इंश्योर करना है कि तुम सौ सौ की जगह छह सौ पे पहुँचो लोग ज्यादा बिठाओ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करो ज्यादा बड़े ऑर्डर लगाओ ज्यादा वो करो दिन रात शिफ्टें लगाओ जो करती हो करो सिक्स हंड्रेड तक पहुंचो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं पहुंच के दिखा सकती हो कि नहीं जो इंसान मेरी जगह एक एकट वाली इकोनॉमी में सिलिकॉन वैली में बड़ा हुआ होगा ना क्या पैसे दे मैं करके दिखाता हूं मैं बच्चे बैठाऊंगा बंदे बिठाऊंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा हो जाएगा मैं कहूंगी यार ये तो बड़ा मुश्किल काम सो hmm. so, ये बहुत सारी दफ़ा हम एज वी सी इस किसी को पुश बैक देते हैं या इवन फीडबैक देते हैं तो हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा ना आप अपना माइंड सेट थोड़ा सा बढ़ाएं आप इस, इस माइंड सेट के साथ गेम में आएं कि दुनिया अबंडेंट है रिसोर्सेज एबंडेंट है क्योंकि स्पेशली जब आप किसी पैसे ले रहे हैं मतलब वो पैसे तो फिर आपने इस मतलब इस तरीके के लगाएं कि आपने yes. वो छक्का मारने की कोशिश करनी है जब हम लिमिटेड के साथ खेलते हैं ना तो हम छक्का मारने की कोशिश नहीं करते हम वो कहते हैं टुक टुक करके एक बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड के वीसी जो फंड लेकर आए वो तो है ही रिस्की एसेट के लिए वो तो हाँ। कहेगा वो तो कह रहे छक्का मारो बट मेरे ख्याल में स्क्योरसिटी की आपने बात की ना बींग अ फाउंडर कि मैं मीना से पैसे ले रहा हूँ उम्र से ले रहा हूँ तो मेरे अपने थोड़ी है मुझे तो वैसे भी जो है वो स्क्योरसिटी माइंड से निकल जाना चाहिए राधर देन कि मैं मीना को ये कहूँ कि सो तो मीना को मजीद लालच देने के लिए और थोड़ी बहुत मैंने यूएस में चलो रिसर्च किया और इमरजिंग मार्केट मुझे तो यार 600 बताने चाहिए ताकि मैं इनको पुल इन कर लूँ रादर देन क्योंकि सो विल बी टू लो फॉर हर टू से बड़ा नंबर करता हूँ एक्चुअली लोग पाकिस्तान पक्स, और

एग्जांपल देता हूँ मैं अब, ले मैंने जो बात की नाइंड सेट होता है एक लाख डॉलर दे दो ना कुछ कर लूंगा वही चीज अगर कोई अब माइंड पांच मिलियन डॉलर से तो कम मैंने बात ही नहीं आपने देना तो नहीं वरना मैं किसी और क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे

ग्लोब इमर्जिंग मार्केट की ये माइंड बहुत ज्यादा कॉमन है oh, और okay. मतलब देखिए हमें अगेन हम बड़ी इस थॉट प्रोसेस के मैं आपको एक फनी mm -hmm, बात बताती हूँ उमर ने जब फंड रेज किया उसके बाद हमने ऑफिस बनाया राइट और हमने ऑफ़िस मतलब एक तो जिधर हम ऑफिस ले रहे थे वो सस्ती सस्ती मतलब बैरिया टाउन में जाहिर इस्लाम से बहुत सस्ती okay. है जगह तो हम ज्यादा अच्छी जगह ले सकते थे yes. आप बड़ी जगह ले सकते थे वर्सेस अगर हिमाचल में ट्राइस एट द सेम टाइम और दूसरा हमें पता था कि हमने एक साल की क्या प्रोजेक्शन की हैं हमने कितने लोगों को उस स्पेस में हाउस करना है तो इवन अगर अभी हमारी टीम में सिर्फ छः लोग हैं हमने अगर साल के एंड तक थर्टी लोगों तक जाना है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल तो हमें थर्टी लोगों के बैठने की खाने की बाथरूम जाने की जगह चाहिए तो हमने ऑफ़िस उसी हिसाब से लिया जब हमने ऑफ़िस लिया हम बड़े इमोशनल हुए खुश हुए सारा कुछ किया प्यारा सा बनाया और अपने इस जितना हमने जितना हमने इन्वेस्टर से कहा था कि ऑफ़िस पे लगाएंगे उतने ही लगाए कोई हमने ओवर द टॉप चीज़ नहीं की आ, पहला दिन हमने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया वहाँ पे ना बड़े इमोशनल में तो रो रही थी पूरा इमोशनल आके हमारे पेरेंट्स आके परेशान हो गए हमें लगा था हमारे पेरेंट्स आएंगे खुश होंगे हमारे पेरेंट्स आके परेशान हो गए वो इतनी टेंशन में चले गए उन्होंने कहा ये तुम लोगों ने क्यों किया है अभी तो कंपनी शुरू ही नहीं हुई तो ये ऑफिस क्यों बनाया है इस पर क्यों पैसे लगाए हैं ये कर्जे तो नहीं लिए कहीं से hmm. इसका क्या क्योंकि अगेन उन उनके दिमाग में वो जो वही मतलब एक वो जो माइंडसेट है हमारा कि जी पहले ये हो फिर ये हो फिर yes, ये हो फिर ऐसे स्टेप. करें मगर वो जो वो ये जो मतलब हम उनको ये समझा रहे थे कि स्टार्टअप अगर आपने बनाई है ना और आपका ऑफिस आजकल के ज़माने में अच्छा नहीं है कोई आपके पास काम नहीं करता hmm. लोग आपके पास आएंगे ही नहीं जैसे लोग आप हायर करना चाहते हो ना वैसे लोग yes. आपकी गंदी सी बिल्डिंग में गंदे से उसमें बैठ के नहीं काम करेंगे उनको एक डिसेंट वर्क स्पेस चाहिए आजकल के ज़माने में लोग चाहते हैं कि जी कोई hmm. थोड़ी बेहतर वो हो बट अगेन वो एक माइंड की बात है एक स्कॉर्सिटी माइंड में जब हम काम करते हैं और ये बड़ा मुश्किल है मैं बड़ी मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी मिडिल क्लास है उम्र की अपब्रिंगिंग मेरे से डिफरेंट है तो अभी भी इवन हमारे जो स्पेंडिंग पैटर्नस हैं हमारी अपनी कंपनी में वी के पैसे हैं पर मैं जितना लड़ती हूँ पैसे लगाने पे कि hmm. ये, ये क्यों लग रहा है ये चीज़ क्यों आएगी तो और उमर एंड में तंग हो जाता है वो तो कहते हैं मैं मैं भी को फाउंडर हूँ मगर hmm. मुझे मुझसे तुम तो एक्सप्लेनेशन जितनी ले रही हो कि ये जो ये जो खर्चा करना है ये क्यों करना है ये इससे सस्ते में नहीं हो सकता तो तुम ये देखो इस तरह देखो कि जितना इस चीज़ पर टाइम लगेगा जितनी इस पर एफर्ट लगेगी उससे कम में ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा वो एक हमारी एक वो है हमारी अपब्रिंगिंग हमारा माइंड है और उससे निकलने में आपको टाइम लगता है बट वो जो थिंकिंग बिग वाली चीज़ है ना वो अभी भी मिसिंग है और पता है आपको मतलब जितना मैंने के पी में बहुत काम किया है स्टार्टअप्स के साथ फॉर एग्जांपल अगर आप KP के पी के स्टार्टअप से बात करें तो उसका माइंडसेट और एक लाहौर के स्टार्टअप के माइंडसेट में भी बहुत डिफरेंस होगा जितनी है और स्कार माइंडसेट का डिफरेंस आपको पाकिस्तान और सिलेकन वैली में नजर आ रहा है शायद उतना ही आपको किसी यू नो इंटीरियर सिंध या कोयटा कोयटा और केपी में डिफरेंस नजर आएगा फिर केपी और लाहौर में डिफरेंस नजर आएगा क्योंकि जितना जिस किस्म की आपकी अपब्रिंगिंग हुई है या जितनी स्कॉर्सिटी है, है उसी हिसाब से आप अपने प्लान्स बना रहे होते हैं hmm. so तो अच्छा, एक, एक शार्क टैंक वगैरह देखा होगा hmm. एक चीज जो मैंने नोट की है जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं ना दे डोंट ओनली कम विद मनी वो आपको मैंटोरशिप या जो उनके कनेक्शन होते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है कि जो वी सीज हैं वी सी में बहुत जरूरी है बिकॉज आपको देखो यू आर न्यू फाउंडर सही है सही आप एक आइडिएशन स्टेज हो आपको एक प्रोटोटाइप बना होगा बट बट स्टिल यू आर टू यंग टू एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली सही है मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है बट कॉन्फिडेंस इज वर्ड इट्स इट्स इट्स

उसमें हम साफ़ कहते हैं हमें इस महीने इस चीज़ में मसला हुआ है हमें लोग ढूंढ के दें जो हमें ये सिखाएं hmm. और वो अगले महीने वो फॉरन हमें ई मेल्स आने शुरू होती है मैसेज आने शुरू होते हैं इससे इंट्रोड्यूस कराओ इससे इंट्रोड्यूस कराओ जी हमें ये प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है ना उसमें मसला हो रहा है हमें एच आर वाली साइड पर पीपल में हम चाह रहे हैं कोई हमें एडिशनल स्किल मिल जाए हमारी जो सेल्स टीम है वो चाह रही है कोई सेल्स का मैंटर मिल जाए हमारी डिजिटल मार्केटिंग हमारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम ने कहा कि हमें मैंटरिंग चाहिए हमने अपने इन्वेस्टर्स को कहा तीन सेशन उनके इंटरनेशनल मैंटोर्स के साथ हो गए हमारे इन्वेस्टर्स ने कर दिए क्योंकि देखिए अगेन इन्वेस्टर को भी पता है वो आपको जब पैसे दे रहा है तो अब उसने इंश्योर करना है कि वो आपको जितनी सपोर्ट दे सके एक दफ़ा आप इन्वेस्टर आपको पैसे दे देना वो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपका रिश्तेदार है अच्छा वाला रिश्तेदार ख्याल करने वाला रिश्तेदार वो आपका मतलब उससे बेहतर उससे ज़्यादा मोहब्बत कोई आपसे नहीं करता वो आपकी सेफ़्टी सिक्योरिटी आपकी मेंटल हेल्थ आपकी मतलब असूलन एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो हर चीज़ का ख्याल रखेगा क्योंकि उसको पता है कि जो फाउंडर है वही है फाउंडर के अलावा कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती स्टार्टअप में ये तकरीबन तो जो पाकिस्तान में जितने भी वीसी हैं तमाम अपने फाउंडर्स का ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब हम में तो जितने वो बहुत करते हैं आई थिंक बाकी भी hmm. जितनों को हम जानते हैं वो करते हैं hmm. उसके आप क्या मतलब देखिए अगेन मैं और उमर ऑलमोस्ट मतलब बिटवीन फाइव टू टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद स्टार्टअप वाली साइड पर आए हम वी वाली साइड पर थे इधर थे सारा कुछ हमने किया मगर मैं अभी मैं सी ई ओ हूँ मैट्रिक की इससे पहले मैं किसी थर्टी परसेंट कंपनी की सी तो नहीं रही मैं तो किसी टेन परसेंट कंपनी की सी भी नहीं रही तो मुझे क्या पता सी होने के बारे में और अगर ये सारे लोग जो बहुत कनेक्टेड हैं और पढ़े लिखे हैं ये मुझे सिखाएंगे नहीं कि मैंने एक अच्छा सी कैसे बनना है या एडिशनल सपोर्ट नहीं देंगे तो मैं एक अच्छी सी कैसे बनूँगी ठीक है मैं खुद लर्निंग करूँगी मैं खुद अपने लिए ढूँढूँगी बट ये जो चीज़ मेरे लिए ओपन अप कर सकते हैं वो ज़ाहिर है मतलब अनडिस्प्यूटेड है राइट ट्रू ट्रू

गेट बेट करने पे तो मैं एडिएशन स्टेज में भी तमाम को भेज दूँ mm -hmm. वो तो कोई उनके इनबॉक्स में तो हज़ारों ईमेल्स लैंड करती होंगी बट व्हेन इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू गेट द राइट रिस्पांस फ्रॉम यू लाइक टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय ओपिनियन राइट दो चीज़ें हाँ हाँ मैं दो चीज़ेंट मेरे mm -hmm. लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और मोमेंटम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपके डिफरेंट स्टेज पर हो सकता है हो सकता है आपका प्रोडक्ट ना बनाओ बट आपने किसी तरह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रूव कर दिया हो सो वी नो ऑल आवर स्टार्टअप जिनका यू नो प्रोडक्ट बन रहा है साथ साथ बट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मार्केट में दे पोटेड आउट दे गॉड पीपल ऑन द वेटिंग लिस्ट लेट से कि जिन यार यारे लाख बंदा मेरी वेटिंग लिस्ट पर है मैं ये मेरा आइडिया है दिस इज हाउ बिग द मार्केट इज़ ये हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट किया और ये लाख बंदा मेरी वेटिंग लिस्ट पर आ गया आई हैव प्रूवन

Uh, वही बिज़नेस पे डिपेंड करता है बी टू बी में ऑब्वियसली लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की ज़्यादा होती है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ज़्यादा होती है तो इसलिए यू डोंट नीड लाइक लाक इन इन दैट लेकिन लाइक like, जो मेन चीज़ है वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक मैं आपको एग्जांपल देता mm -hmm. हूँ मैं इससे पहले हाईअरपुट वेंचर इज़ अ वेंचर स्टूडियो बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर मैं उधर पार्टनर था वेंचर आर्म का um, और क्योंकि मैं बी साइड से भी आया था तो एक एम्प्लॉई ने एक दूसरा मुझे रीच आउट किया था कि मैं इंस्टाग्राम um, और इन्फ्लुएंसर्स और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ कि वो अपनी ऑडियंस मोनेटाइज कर सकें जिस तरह होता है वो सुपर फैंस के साथ वन ऑन वन सेशंस रखें और वो कमा लें और ये करें वो करें और उसने कहा अगले दिन दो दिन बाद उसने किसी पिचिंग कॉम्पिटिशन में जाना था तो मैंने कहा अच्छा अभी तक क्या किया इसमें उसने कहा बस डिज़ाइन बनाए हुए हैं कि हमारा ऐप लगेगी किस तरह um, बस यही किया तो मैंने उसने कहा यार तुम्हारे पास दो दिन हैं और वो फिलिपींस का था, था खुद मैंने कहा तुम्हारे पास दो दिन है फिलिपींस के तुम टॉप इन्फ्लुएंसर्स को पचास साठ को मैसेज करो नहीं, नहीं। और उन्हें को मैं बना रहा हूँ वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बिकॉज आई सेट के यार तुम किसी को पिच करने जा रहे हो कोई ना कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेके जाओ आइडिया वो कहेंगे बहुत अच्छा है कुछ करके देखो फिर वापस आना अगर नहीं लेके जाए तो कहते अच्छा इतना कर लो फिर वापस आ जाना सो उसने किया ही मैसेज आई थिंक एटी फिलिपीस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन ज्यादा थे उनमें सेवेंटी का रिस्पॉन्स एंड नाइन्टी परसेंट सेड येस दो दिन बाद जब वो पिछड़े कॉम्पिटिशन डिजाइन ऑफ हिस लगेगी कैसे एंड ही थाउजेंडली वन इन दिन ऑफर और यही था कि उसने मुझे बाद में यही कहा कि एक और किसी ने कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं किया था हमारा फ़र्क तो यही था कि हमने कहा ये हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स जो कि सारे जजेस भी जानते थे उनको क्योंकि वो टॉप इन्फ्लुएंसर्स थे उस कंट्री इनमें से 90 परसेंट ने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे तो आप हमें फंड करें ताकि हम बना दें हम इनको ले आएंगे सो so, मेरे लिए वो सबसे और दूसरा मोमेंटम होता है कि आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का भी मोमेंटम एक बनता है कि यार मैंने आज भी नाइन परसेंट ये कर दिया फिर मैंने कुछ और बनाई मैंने उनसे बाय थोड़ा ले लिया ई कैप्चर कर लिए hmm. और अगर मैंने सेल्स भी शुरू कर दी तो सेल्स का इवन इफ़ इट्स स्मॉल उस सेल्स का वीक ऑन वीक क्या है पहले हफ्ते में, में दो थी छः हो गई दस हो गई पंद्रह हो गई दि डजन नी टू हैम्बर्स बट द ग्राफ शुड बी पॉइंटिंग राइट एंड अप तो वो मोमेंटम सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मोमेंटम मैं कोई भी फाउंडर को ये नहीं कहता कि सिर्फ आइडिया लेके जाओ हो जाता है फंडिंग

आप कौन है क्योंकि अगेन जो मैं बात कर रही हूँ फाउंडर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ ही नहीं है राइट आप कौन है आपने क्या किया इससे पहले किधर से आए हैं कहाँ जाना चाहते हैं क्या मोटिवेशन है आपकी यू नो किधर कितनी हंगर है कितनी डेडिकेशन है वगैरह वाई यू वाई नाउ अभी ये जो आप करना चाह रहे हैं इसका क्यों परफेक्ट टाइम है कोई ट्रेंड hmm. है जो इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है कोई hmm. किसी यू नो मनी इस तरफ फ्लो कर रही है बड़ी दफ़ा ये होता है कि जी आप आइडिया स्टेज हैं मगर बड़ी बड़ी मार्केट्स में और इंटरनेशनली कंपेरेबल मार्केट्स में इस आइडिया को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रही है और ये कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और अभी तक पाकिस्तान में ऐसी कोई नहीं है सो आई एम द राइट पर्सन टू डू दिस इन पाकिस्तान आई हैव इन इट बट दिस दिस आर माई क्रिडेंशियल दिस इज़ वाई आई एम द परफेक्ट पर्सन टू डू दिस राइट नाउ इन पाकिस्तान और थर्ड चीज़ है वाई दिस कि ये आइडिया जो है इसकी मार्केट पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है कितनी बड़ी मार्केट तक ये पहुँच सकता है कितना बड़ा हो सकता है कितनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है राइट right? ये तीन सवाल आपके पास जिस वक्त भी रेडी हैं दैट इज़ अ राइट टाइम टू फंड रेज राइट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इफ़ यूर एबल टू आंसर दीज थ्री क्वेश्चन शुड बी एबल टू रेज मनी सो हम जब मेट्रिक के लिए रेस कर रहे थे अगेन पहला सवाल का जवाब वाई यू था राइट right? मैं अगर उम्र की भी बात पर थोड़ी सी अपनी एग्जाम्पल्स दूँ हमने कहा भाई मैं और उम्र हम इतने इतने सालों से इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं मैंने पहले एक एक्सेलरेटर चलाया स्टार्टअप्स के साथ काम किया मैंने एज ए ट्रेनर काम किया 700 सौ को जाके पर्सनली फ़िज़िकली ट्रेन किया मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोग्राम चलाया सारा कुछ सारा काम एस एम ईज एंटरप्रेन्योर्स एस एम ईज के साथ किया और बार बार देखा कि ये बहुत बड़ा मसला है और इस इस मसले को अकाउंटिंग वाले मसले को फॉर बिज़नेसेस हर एंगल से देख लिया हर साइज़ ऑफ बिजनेस के लिए देख लिया वी सी बन के भी देख लिया मतलब हर हर एंगल से इस मसले को बहुत अच्छी तरह देखा और मैं पाकिस्तान में और इमर्जिंग मार्केट्स में बिज़नेस को अंडरस्टैंड करती हूँ बिजनेस मैन को या बिज़नेस वूमन के माइंडसेट को समझती हूँ मुझे पता है उनका मसला क्या है और उनके लिए ये मसला कैसे हल हो सकता है और मेरा जो को फाउंडर है वो अकाउंटेंट है वो कोर अकाउंटेंट है उसने एज एन अकाउंटेंट काम किया और उसके बाद उसने भी ऑन्टरप्रिनर्स और एस के साथ ही काम किया तो उसको भी ना सिर्फ अकाउंटिंग का पता है बल्कि इस लेवल की और इस तरह की अकाउंटिंग का पता है और मिलके हमने ये प्रोडक्ट बनाया हमारी जो सी टी ओ हैं बोर्ड डेटा साइंस में पीएचडी एच डी हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में इन चीज़ों के अराउंड उनकी पीएचडी थी हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो इन सारे एलिमेंट्स के साथ है और वो ऐसे 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 ये सॉल्व करेगा और अभी ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त बूम है ऑन्टरप्रिनरशिप का भी बूम है स्टार्टअप्स का भी बूम है और हमारे जैसी कंपनीों ने इंटरनेशनली फ़ंड रेज किया हुआ है और जगहों पर ये मॉडल्स बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं और अभी तक इस मार्केट के लिए किसी ने इसको डिवेलप नहीं किया तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये चलेगा और ना सिर्फ हम ये आइडिया आपको दे रहे हैं बल्कि हमने ये शुरू कर दी है mm -hmm. हमने जून में ये शुरू किया था हम जन अगली जनवरी में आपके पास आए हैं इतने टाइम में हम मल्टीपल बिजनेसेस के पास गए हमने बिजनेसेस को ऑनबोर्ड करना शुरू किया उनके मसले मज़ीद समझे साथ साथ डेवलपमेंट की अपना अगली सा एक प्रोडक्ट बना के उनको देना शुरू किया उन्होंने यूज़ करना शुरू किया प्लस हमने अपनी वेबसाइट जब लॉन्च की उस पर पाँच लोग वेट कर रहे हैं आई थिंक जनवरी तक 500 अब इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने का और इवन उस टाइम पे भी आई थिंक वी वर इन हाउ मेनी कंट्रीज फाइव सिक्स से हमारे पास साइनअप थे विदाउट एनी मार्केटिंग हमने मार्केटिंग पे कोई पैसे नहीं लेल स्टोर राइट अप विदाउट एनीथिंग हमने कोई मार्केटिंग नहीं की कोई डिजिटल मार्केटिंग कोई डॉलर mm स्पेंड -hmm, mm -hmm. कुछ भी नहीं किया और 800 बिजनेसेस हमारा इंतजार करें पांच पाँछ या पांच छह मुल्कों में से mm -hmm, mm -hmm, जिन मुल्कों में भी हम किसी को नहीं जानते राइट आठ मुल्कों से ये हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और हमें पता है कि ये चीज़ हम बना सकते हैं क्योंकि हमने जो 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 अभी तक किया है दैट लीड हैज लेड अस टू दिस पॉइंट वी नो दिस मार्केट वी नो दिस प्रॉब्लम राइट दैट्स वॉट गॉटीड और ये और साथ ज़ाहिर ये हमारा प्लान है हमें जब आप ये पैसे देंगे हम इतने पैसे रेज करना चाहते हैं इनको हम ऐसे 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 स्पेंड करेंगे और इतने टाइम में हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके इतने थाउजेंड बिजनेसिस तक पहुँचेंगे और वो बिजनेस इस टाइप के होंगे ये हमारा उसके बारे में थीसिस है और ये करने के लिए हमें आपसे ये पैसे चाहिए नॉर्मली जब आप ये सारी प्रेजेंटेशन देते और बेसिकलीट इज कॉल्ड पे

कितने डिजाइन टीम कितनी बड़ी होगी जो आप भी हमसे सवाल प्रोडक्ट टीम में कितने लोग होंगे फिलहाल yes. टीम में कितने होंगे ये सारी प्रोजेक्शन आप पहले से देते हो और जाहिर है इन्वेस्टर को भी पता है कि ये अभी प्रोजेक्शन हैं जब असल में मार्केट में जाओगे तो फिर पता hmm. चलेगा कि असल में क्या होता है yes. कितनी हायरिंग होगी कितने नंबर्स कितने कितनी सेल्स होंगी क्या होंगी मगर उस प्रोजेक्शन से इन्वेस्टर को ये पता लगता है कि वही वो, वो जो थॉट प्रोसेस है ना कि क्या आप सौ तक पहुँचने की कोशिश कर कोश रहे हो छः महीने में या छः सौ तक की कर रहे हो आपकी सोच कितनी बड़ी hmm. है या कितनी छोटी है कितनी रियलिस्टिक है कितनी बेवकूफ़ाना है यू you नो know, या कितनी सही मतलब एनी ऑफ दोज थिंग्स तो वो सब कुछ आप उसे उसको डेटा रूम कहते हैं या वॉल्ट कहते हैं जो भी नाम उसका ले लें बट एक फोल्डर होता है जिसमें आप डालते हो उसमें आप अपनी कंपनी के भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल देते हैं कोई लीगल चीज़ है वो उसमें डाल देते हैं कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें डाल देते हैं ये सारा कुछ डाल देते हैं तो पहले आप इन्वेस्टर को पिच पिचटैक दिखाते हैं फिर अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो कहते हैं अच्छा जी अब मुझे अपना डेटा रूम भी दिखा दें फिर वो जाके आपकी फाइनेंशियल्स खोलता है प्रोजेक्शंस खोलता है बैठ के नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है दिखता है कि आपने कितनी कितनी डिटेल में सोचा है चीज़ों के बारे में क्योंकि बड़ी दफा लोग प्रोजेक्शन जब करते हैं ना तो वो आने वाले पैसे पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू तो प्रोजेक्ट करना मैं कह दू यार हाँ। दस करोड़ कमा के दूंगी मगर वो दस करोड़ कमाने के लिए मुझे कितने करोड़ लगाने हैं और वो जो जितने करोड़ लगाने हैं वो किन किन चीज़ों पर एग्जैक्टली लगेंगे वो कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल काम है तो मैंने देखे ना ऐसे फाइनेंशियल मॉडल बहुत ज्यादा कि कंपनी ने रेवेन्यू शो किया पाँच साल में हंड्रेड मिलियन डॉलर रेवेन्यू पहुँच जाएगा हायरिंग प्लान में जाओ तो वो दस बंदे हायर होते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ हंड्रेड मिलियन कंपनी दस बंदे से वलेंगे कैसे तो mm. उन्होंने वो सोचा नहीं होता कॉस्टिंग करना बजटिंग करना इज मच हार्डर देन प्रोजेक्टिंग रेवेन्यूज तो yeah. वही मीना की बात है कि वो प्रोजेक्शन से वो इन्वेस्टर को पता चलता है कि यार आपने कितना डीपली सोचा है इस बारे में mm. आप लोगों ने बड़ा काम किया है ना स्टार्टअप्स के साथ तो एक्सेप्ट फॉर द स्केयरसिटी माइंड इन इन आर कल्चर आपको mm. क्या लगा वर्किंग सो क्लोजली विद दी विदार्टअप जो फाउंडर्स को फाउंडर्स के जो मेन इश्यूज रहते हैं ना किसी को भी चीज, चीज hmm. को लेकर अपने स्टार्टअप्स को लेकर के यार hmm. ये फेल ना हो जाए गिर ना जाए इसको hmm. दोबारा कौन उठाएगा फंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी वट आर सम ऑफ द इशूज फ्राम फ्राम दीज एंटरप्रेन्योर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर द स्केय फाउंडर इशूज ये क्यों होते हैं ये भी कल्चरल है हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना टैबू है पैसों के बारे में बात करना टैबू है uh -huh. ठीक है डिस्कशंस करना फाइनेंशियल्स के बारे में बात करना लोग घबराते हैं बहुत सारी कॉन्वर्सेशन से हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंटेशन बड़ी मुश्किल है हम लोग या लड़ते हैं uh -huh. और या नाराज़ हो जाते हैं uh -huh. अगर आप किसी से नाराज़ हो तो उसके साथ सुकून से बैठ के निगोशिएट करना या डिस्कस करना बड़ा मुश्किल लगता है सो एक्चुअली डिफिकल्ट डिफिकल्टानवर्सेशन हैंडल करना हमारे यहाँ कल्चरली बहुत मुश्किल है सिखाया नहीं जाता समझाया नहीं जाता डिफिकल्टनवर्सेशन इन एक्सपीरियंट वैसे बैठे थे और हमने एक आइडिया सोचा हाँ? और उसमें हम काम करना शुरू करेंगे किसको कितनी एक्विटी मिलेगी सीओ कौन होगा

वो बिल्कुल नहीं अच्छा होता आपकी मतलब कैप टेबल मैनेजमेंट हम कराते हैं अपने हमारे पास जो बिजनेसेस आते हैं उनको कैप टेबल मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली अ थिंग क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर ऐड होता है और अगर आप 50 50 पे हो तो आप दोनों इक्वली डाइल्यूट होते हाँ। जाओगे और फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे हाँ। आप में से कोई एक भी मेजारिटी में नहीं रहेगा तो फिर उनके पास सारा कंट्रोल चला जाएगा तो एक्चुअली को के पास कंट्रोल रखने के लिए किसी एक को मेजोरिटी देना ज़्यादा बेहतर होता है और काफ़ी अच्छी मेजोरिटी देना और फिर आप अपनी साइड पे तो ग्रीमेंट्स कर लेते हैं तो देन उस केस में तो एक को फाउंडर के पास सारी चीज चली जाएगी अगर आप साइड एग्रीमेंट्स कर लेते हैं ना ताकि को आ, फाउंडर्स बाद में जब एक्चुअली बिकेगी तो सबको इक्वल मिल जाएगा बट पर मर... अब ये अगेन ये कन्वर्सेशंस हमारे पास ओके यार मुझे तो कोई मसला नहीं था हम दोस्त हैं हम मैं सारा काम कर रहा हूं तुम कुछ कर नहीं रही तो 50-50 का से आ गया फाउंडर इशूज की वजह से आई थिंक द मेजोटी ऑफ कंपनीज या विल शट डाउन बिकॉज ऑफ नथिंग एल्स एक्चुअली क्योंकि उनके दरम्यान में वो कॉन्वर्सेशन हमारे पास इतनी दफा पिचिंग कॉम्पिटिशन हो या वी सी मनी के लिए लोग आए आप उनसे उस वक्त पूछो कि आपका कैपिटेबल क्या है उन्होंने डिसाइड अभी तक नहीं किया होता हो कि कहते नहीं नहीं इस पर कोई हमें कोई मसला तो नहीं है मगर जब असल में बैठ के डिसाइड करते हैं तो मसले होते हैं या इवन दिस किसी ओ कौन है आप में से नहीं, किसकी नहीं। किसकी ज्यादा वो है किसकी मतलब यू नो ऑल ऑफ थिंग्स इनके बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं होती और जब फिर होने पे आती है वेन इट इज टू लेट

You have the CTO, right? We so have CTO. And and you have you must have the head of marketing as well, the head of engineering as well, but right? Early stage startups, you don't consider of, we yourself like funding. Early we don't have a head of marketing. Or uh -huh. we have funding we have we have a head of engineering, but we don't have a head of marketing. Hmm. We still don't have a head of product. So there's lots of roles that we haven't filled. We don't have the money to hire uh -huh.

हमने इंसानों पे पैसे लगाने फिर भी हम बहुत एक्सपेंसिव लोग नहीं अफोर्ड कर सकते राइट hmm. सो right? so, आपकी फिर भी की मैन रिस्क होता है तो जो सिंगल फाउंडर होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो मैं बहुत सारे वी को जानती हूँ जो सिंगल फाउंडर्स में इन्वेस्ट नहीं करते एज अ पॉलिसी एज अ पॉलिसी अगर उनको आप पसंद आएंगे तो वो कहेंगे आप सी या मतलब कोई भी और लाइक सी पी ओ अदर को फाउंडर कोई आप ढूंढ के लेके आए हु इज एज इन्वेस्टेड क्योंकि ये जर्नी बड़ी लंबी है ना दिस इज़ अ टेन टू ट्वेंटी ईयर जर्नी तो यू कैन ओनली डू दिस न ओनली रेज वी सी मनी वेन यू आर इन्वेस्टेड फॉर दैट लॉन्ग आप ना अपना टाइम मूव कर सकते हैं ना आप कहीं भाग नहीं सकते कुछ और नहीं, नहीं कर कुछ सकते, सकते. <laughs> जॉब नहीं कर सकते कोई और काम नहीं कर सकते कुछ और नहीं कर सकते बट बट दिसन इफ यू बूट स्ट्रेप स्टार्टअप एंड यू हैव गुड नंबर इट बट यू आर द ओनली फाउंडर यू आर डूंग ग्रेट बट यू नीड

बट hmm. आप मुझे ये दिखाएं कर और ये हुआ है आई थिंक हमारे साथ भी इवन हुआ है एक कंपनी के केस में कि के हमने उनको कहा था कि यूनिरो आप एक सीटीओ लेके आए हमें बताएं कि ये पर्सन आई विल हायर इफ यू गिव इफ वी गिव यू द मनी उसको कन्विंस करके तो लाएं पहले क्योंकि लोगों को कन्विंस करना ईजी नहीं होता इट्स नॉट ईजी फाइंडिंग सी लेवल पीपल राइट सो समटाइम्स ये होता है पर मैंने एक्चुअली देखा है ऐसे केसेज में जिसमें अच्छी भली कंपनीज को नहीं मिले पैसे क्योंकि जो इन्वेस्टर था वो कह रहा था नहीं मतलब फॉर वट रीजन में भी वो पर्सन ऑपरेशनली बहुत अच्छा है मगर वो फंड रेजिंग में शायद हमें नहीं लग रहा कि वो इतना अच्छा हो mm. तो अगर इसका कोई को फाउंडर होता जो फंड रेजिंग वाली साइड पे बहुत अच्छा होता क्योंकि वीसी मनी में आपने आगे भी राउंड रेज yes. करने होते हैं सो योर एक्चुअल एबिलिटी टू रेज मनी इज इवन समथिंग यू आर बीइंग इवेलुएटेड ऑन यू माइट बी ऑपरेशनली फिनोमिनल बट इफ यू आर नॉट इफ यू डोंट हैव दैट दैट इंट्रेंसिक दैट विल अलाउ यू टू गो आउट एंड सेल योर आइडिया एंड पिच टू इन्वेस्टर्स एंड रेज मनी the no vcs just curious kitne series hote hain a c z tak ya kya koi limit hai kafi aage tak ja sakte hain d tak kyunki maine h tak dekhe hain h tak yeah i've seen h um but that's weird f tak thode se zyada hai but why do you think it stop there uske uske baad ipq kyun hota hai ip uske baad kyun nahi ho sakta matlab us pe exit what do you feel like us pe exit ho jata hai so

मतलब वेबसाइट बेस इफ यू एक्चुअली फॉलो जो एफ जी एज एच लग गए हैं वो डेट वो राउंड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज लॉर्ड ऑफ कैपिटल वो फिर बिलियन रेज कर दिए ah. तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही कर रहे होते हैं या होगी या ओ होगी सो so, आपका एम ये यू डोंट अ गो टू सी यू वॉन्टिट एट सम पॉइंट एग्जिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप इफ़ यू डोंट हैव अ पार टू एग्जिट

नहीं दूंगा ज़्यादा मुश्किल से दूंगा yes, right? yes. yeah. like हमें पता हमारी इतनी हाई नहीं है जितना उनको चाहिए सो वी कैन बी अल मोर ऑर्डर टू गेट मोर मनी और यू नो क्लोज डील क्विकली और वो सारी ये इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं बट अ बेंच मार्क अप टू ट्वेंटी परसेंट उससे ज्यादा अच्छा

amount of percentage in equity that a VC is expecting from you at let's say any series at, at any series round कोई expectation तो होती होगी for ना for one VC? VC to get yeah, हम नहीं हम ने? VC, ने? के ने? So, VC, VC के perspective से VC के perspective से वो क्या देख रहा है क्या करूं I think हमने caravan में point something भी लिया हुआ है आपका आप तो उसमें से तीन सौ एक से आ रहा है दो सौ एक mm -hmm. से आ रहा है क्या आप बाकी पचास 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 के आप बहुत सारे लोगों से चेक ले लें तो आप बिल्कुल आप में और मिक्स करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि आप एक वीसी से सारे पैसे न ले ना तो आप चाहते हो कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए

पचास like 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 हजार में काम आ, हो जाने दस हजार डालू बब आप एंजल का नाम सुनते हो नॉर्मली स्टार्टअप इको सिस्टम में तो आपको लगता है कि अर्ली स्टेज होता है पाँच दस हजार डाल देगा आपको एक पुष्ट दे देगा ताकि आप अगले प्रोटोटाइप बना लो या जो आपने

उसने ख़ुद कमाए हैं वो पैसे या उसका बिज़नेस है या जो भी है ठीक है और उसने वो जो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है ना उसका फाइव परसेंट उसने डिसाइड किया है कि वो स्टार्टअप्स में डालना चाहता है मगर वो अपनी मर्जी से डालना चाहता है वो अपनी खुद पिक एंड चूज़ करना चाहता है कि उसको किस में मज़ा आ रहा है क्या एक्साइटिंग लग रहा है क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है एंजल्स विल यूज दट दे फाइंड एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वो थोड़ा दिल से करते yes. हैं एक चीज़ ठीक है उनको ये चीज़ ये लड़का बड़ा या ये, mm. ये जो ये जो, जो, जो ग्रुप है ना ये लड़का और लड़की ये जो को फाउंडर्स हैं ये लग रहा है कि इनमें बड़ी वो है और मैं इनको सपोर्ट करना चाहता हूँ mm. या ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है या इस सेक्टर में ना मुझे लगता है जरूरत है तो मैं इसमें मल्टीपल लोगों को या जिन जिन चीज़ों में है है। तो मैं काम करती हूँ या करता हूँ सो यू नो इसके अराउंड वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं उनके अपने पैसे होते हैं वो तेज़ी से डिसीजन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा जांच परख नहीं करते आमतौर पे वो ये पूछ लेते हैं किसी और वीसी ने पैसे डाले हैं कि नहीं hmm. क्योंकि जो वीसी है वो जांच परख करता है तो मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि एज एन एंजल मेरा अपना एक बिजनेस है मेरा आपका जैसे आपके बिजनेस सब कुछ आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक का बैठ के डेटा रूम देखें एनालाइज करें ये करें वो करें तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है या तो आप वैसे ही दे, दे देंगे पैसे कि छोटे छोटे चेक्स हैं ले लें क्योंकि ये एक्साइटिंग है या, या ये मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है या आप ये पूछ लेंगे कि अच्छा यार आप में किसी कोई वी डाल रहे हैं अगर कोई वी डाल रहा है ना तो मैं भी चेक डाल देता हूँ क्योंकि वी ने देख लिया होगा ठीक है सो एंजल्स इंडिविजुअल्स हैं एंजल सिंडिकेट है कि आप और आपके पाँच छः दोस्त मिलके और आपके दोस्तों में से किसी एक के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो दैट पर्सन विल टेक द लीड दे विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड देन आप बाकी चारों को कॉफी भी बुलाएगा बटलर बिठाएगा और कहेगा hmm. यार ये चार कंपनियाँ हैं मुझे एक्साइटिंग लग रही है इनमें से दो में पैसे डाल देते hmm. हैं और आप मिलकर डिस्कशन करेंगे दो डिसाइड करेंगे और आप सारे लोग पाँच पाँच हज़ार डॉलर डालेंगे और वो उन दो कंपनियों को आप लोग दे देंगे एज एन एंजल सिंडिकेट आपका चेक बड़ा हो गया ओवरऑल और आपका डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी ज्यादा हो गई राइट सो ये एंजल सिंडिकेट हो गया वी सी फंड है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एक्चुअल रजिस्टर्ड कंपनी जिसका काम ही सिर्फ अच्छी डील्स ढूंढ के उनमें पैसे डालना है एक वी सी फंड का जो फंड मैनेजर है ना उसकी रोजी रोटी यही है और वो यूजुअली ऐसा पर्सन होगा जिसने स्टार्टअप के साथ काम किया है या उसको समझ आती है इस सिस्टम की तो वो आएगा आपके पास रखेगा देखें नहीं आपके पास पैसे हैं फाइव परसेंट अगर आप डालना चाहते हैं स्टार्टअप्स में और आपके पास टाइम नहीं है कि आप खुद जा जा कर स्टार्टअप ढूँढें ना ये आपकी एक्सपर्टीज़ है आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम की समझ नहीं आती तो आप अपने वो पैसे मुझे दें ये बाकी सारे अमीर लोग भी हैं जो मुझे पैसे दे रहे हैं मैं इकट्ठा एक फंड बनाऊँगी और फिर मैं जाऊँगी और डे इन और डे आउट मेरा सिर्फ काम होगा कि सौ दो सौ तीन सौ स्टार्टअप्स पर मंथ से मैं बात करूँ और उनमें से वो एक या दो निकालूँ जिनमें मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगी और 10 साल बाद मैं आपके पैसों पे आपको वट एवर टेन एक्स जो भी रिटर्न मैं आपको प्रॉमिस करूंगी मैं वो 10 साल बाद आपको आपके पैसों पे दूंगी मैं इन 10 सालों में आपके पैसों के ऊपर से एक मैनेजमेंट फी चार्ज करूंगी जो कि मेरा ऑफिस चलाने का एक्सपेंस होगा मेरा आना जाना सारा कुछ उसमें कवर्ड होगा मेरी तनख्वाह कवर्ड होगी और जो ओवरऑल मैं पैसे कमाऊँगी जो आपके हुँ, पैसों पर मैंने पैसे कमाए हैं उसके ऊपर से मैं एक परसेंटेज लूँगी प्रॉफिट का और बकाया आप में और बाकी एल में डिवाइड हो जाएगा बेस्ड ऑन आपने कितने कितने पैसे डाले सो एज अ फंड मैनेजर जैसे मैं आई वॉज अ पार्टनर इन अ फंड इट वॉज नॉट माई मनी इन अ फंड जनरली मैनेजर की मनी नहीं होती ज़रूरी नहीं है कि वो फंड मैनेजर खुद अमीर भी mm -hmm, हो ठीक mm -hmm. है वो मेरे पैसे नहीं है मैंने अमीर लोगों को कन्विंस किया है कि आई एम द राइट पर्सन टू फाइंड फिनोमिनल डील्स फॉर देम एंड इन्वेस्ट मनी सो दैट्स व्हाट अ वीसी फंड इज़ डूइंग वीसी फंड की टाइम लाइन आमतौर पर दस साल होती है मैंने आपसे जब पैसे लिए मैंने कहा मैं दस साल में वापस करूंगी मैं कहूँगी आपको कि मैं पहले तीन से चार साल के अंदर वो पैसे डिप्लॉय कर दूँगी मेरी मार्केट ये होगी इस साइज के मैं चेक्स लिखूंगी इस टाइप की मैं जब ए, एक आपके पास आती हूँ पैसे लेने एलपी कहते हैं जो पैसे डालते हैं उसको तो मैं एल को सब कुछ बताती हूँ कि मेरा थीसिस ये है मुझे लगता है कि ऐसे लोगों में अगर इन्वेस्ट किया जाए इस टाइप के hmm. स्टार्टअप्स में इन सेक्टर्स में तो हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इस कंट्री में इन्वेस्ट किया जाए हम बहुत ज़्यादा पैसे hmm. कमा सकते हैं सो देन यू डिसाइड कि ओके डू यू ट्रस्ट मी डू यू ट्रस्ट माई विजन डू यू अलाइन विद वोट आई वॉन्ट टू डू एंड देन यू विल राइट मी अ चेक सो आमतौर पर जो एल है ना उनका जो टोटल वही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका अगर फाइव परसेंट उन्होंने स्टार्टअप्स में डालना है तो हो सकता है वन 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 परसेंट अगर पाकिस्तान में पांच वीसी फंड्स हैं आप तीनों वीसी फंड्स में अपने टिकट डिवाइड करके डाल दें 5 आपने मिलियन डॉलर डालना है और आप यू नो तीन के पास जाए और कहीं सौ साढ़े तीन सौ डालता हूँ आपको डालने दें

Because yeah, they, are already, the at, funds they are already a corporate, VC, so that is why maybe... No, no, they, I mean the fund VC itself funds. is VC. Oh. A corporate yeah, yeah, yeah. VC fund is a They are VC funds by these corporates. So, Jazz mm -hmm. has one called Veeon. Mm -hmm. uh, JS has one and then HBL Ventures and... Yeah, but still Wow, that's yeah. quite a very handful number of VC. Don't you miss Just like 10... like एक आधन बोला एक आध साल पहले तक भी मतलब दो साल पहले कहें हम कहते थे अगर आप सवाल पूछता की गिवक top थ्री पर शायद कुछ नाराज हो जाते हैं किसी का नाम नहीं बताया मतलब मोस्ट एक्टिव है टॉप का मतलब पहले भी कहा था जिस जिसने हमें इन्वेस्ट किया है वही टॉप है ना सबसे अच्छे स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्ट किया है <laughs> नहीं लेकिन लेकिन एक एक बहुत अच्छे स्टार्टअप में बहुत अच्छे वीसी ने इन्वेस्ट किया एयरलिफ्ट की बात कर रहा हूं बट दे ड्रौंड लाइक व्हाट हैपेंड टू दैट आई मीन दैट्स अ मैटर ऑफ ियन it's it's right? yeah, what, what, what like? Like जिसकी वजह से वो, वो बेहतर पेविट कर सकते थे उन्होंने नहीं किया बहुत ज्यादा फंड रेज कर लिया इकोनॉमिक टर्न डाउन था मजीदी पेविट आई थिंक इट वेरी इजी टू

Mm -hmm. And it was a high growth accelerating and grow as fast as possible strategy. I think it was the correct sort of strategy mm -hmm. for Especially the environment. Especially for that sector. For the environment. Way. And the mm -hmm. environment. And the environment. बट ऑने और कौन सा सीरीज था उनका

राइट सो अगेन वही वाली बात देखे ना अगर आपने पाकिस्तान में 85 मिलियन करना है हाँ। तो इस वक्त जो हमारे पांच छह फंड हैं या दस फंड हैं इनके टोटल टिकट साइज करें तो एटी फाइव मिलियन करनी है पर स्टार्टअप किसी का हंड्रेड थाउजेंड है किसी का वन मिलियन है किसी का थ्री मिलियन है मगर अगर दस के थ्री मिलियन भी टिकट साइज होते तो वो जो जो अमाउंट ऑफ मनी चाहिए थी वो ना पहुंच सकती ना hmm. तो फिर आपने ग्लोबल फंड्स के पास जाना है और ग्लोबल yes. फंड्स के पास तो एवरीथिंग विल इंपैक्ट देम राइट राइट नाउ इंटरेस्ट इन पाकिस्तान इज कैलो डिक्रीज राइट क्योंकि ग्लोबली उनका अपना जो एक इशूज चल रहे हैं उनकी अपनी इकोनॉमी में इशूज चल रहे हैं सारे लोग पैसे रख के बैठे हैं उनको समझ nee, नहीं है बट ऑल द इकोनॉमीज इन वर्ल्ड आर इंक्रीजिंग देर इंटरेस्टेड इफ बैंक मी गुड रिटर्न एंड दे आर एटलीस्ट स्टेबल एंड दे आर एटलीस्ट गाई आई शुड टेक इन सच A scary economy, right? Globally, अगर हम बात करें तो यहां रिस्क ऑफ हो गई है yeah. ज देर ओन सोर्स स्टेज मैंड कुछ फंड होते हैं कि वी ओन इी सीड सी एंड मे बी सीरीज है अपॉर्चुनिस्टिकली कुछ लोग ग्रोथ फंड होते हैं सीरीज बी से शुरू होते हैं सो वो उनके मैंडेट भी नहीं आता कि वो और अगेन इवन इफ देव द मनी टू डिप्लॉय इन द सेम दैट तो अगेन उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी कम हो रही है कि हम सेम अगर डालते रहेंगे तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन भी कम हो रही है सो लॉड ऑफ थिंगस गो इन टू वो पर जनरली Uh, जो भी बात हुई कि ग्लोबल इकोनॉमी इमर्जिंग मार्केट्स आर हिट हार्ड जोरिंग क्योंकि जब कोई रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट होती है तो सबसे रिस्कीस्ट चीज़ें सबसे पहले जाती हैं सो वेन इट कम्स टू स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के अंदर भी देखें वट इज द रिस्कीस्ट प्लेस इमर्जिंग इमरजिंग वुड बी रिस्कीस्ट फिर वो थोड़ी सी डेवलप्ड और फिर डेवलप्ड वुड बी स्टिल विल बी अ लिटल सेफर दैन दो तो आई गेस इमर्जिंग इकोनॉमीज में दोनों साइड्स पे जब वो फ्रेंडजी आता है तो बड़ा जबरदस्त आता है और hmm. जब रिस्क ऑफ एनवायरमेंट होती है तो सबसे पहले यहाँ से कैपिटल पुल है। so होता है सो इसलिए इट कैन कैच पीपल लाइक ब्लाइंड साइडेड कितना ठीक mm -hmm. है किसी ने देख लिया कि आ रहा है पर वो कितना एकदम आके इज ऑलमोस्ट लाइक चॉप तो आई थिंक स्टार्टअप फाउंडर्स बिकॉज़ इट्स अ लाइक मीना सेट 7 टू mm -hmm. 10 इयर्स की गेम है साइकिल्स तो आएंगी बीच में यस सो स्टार्टअप फाउंडर्स नीड टू be able to sort of identify those cycles and play accordingly. और आप हमारे as a ना, हम इतना तो फिनोमिना तो इससे इस पहले थे नई ऐसी देखी थी जो एट्टी फाइव मिलियन तक जाती और ना hmm. हमने ऐसी देखी थी जो 85 मिलियन के बाद बंद हो जाती job, right? हमारे इको सिस्टम ने तो पहली दफा ये साइकिल देखा है

key awareness, yeah, for the first time when was this this concept even introduced like back in

आई थिंक सेम साल में शुरू हुए थे और फिर साथ जहानारा का कैटलिस्ट आई थिंक ये भी सारे इकट्ठे उस टाइम पे ऑन्टरप्रीनरशिप मतलब मैंने 2015 में जब आई टी ज्वाइन किया था तो भी हम 100,000 का राउंड भी इमेजन करना मुश्किल था होता था इसे इसे तो इतने मतलब इतनी वो खुशी की बात होती थी किसी को हंड्रेड मिल गए लाइक कमाल था थ्री हंड्रेड थाउजेंड टू अनहर्ड ऑफ था मतलब उस जमाने में लाइक वो वाला टाइम था बिल्कुल जो हमने देखा है गुरबत का कि कुछ भी नहीं होता था राइट कोई बीस हज़ार डॉलर डाल रहा है कोई दस हज़ार डॉलर डाल रहा है इन्वेस्टर्स का भी इसी किस्म के टिकट साइज होते थे और वो डाल के भी एक्सपॉर्टेशन थर्टी थाउजेंड डॉलर डाल के सिक्सटी परसेंट ऑफ द कंपनी ले ली एक्सप्लॉर्टेशन एक्सप्लॉर्टेशन एक्सप्लॉटेशन बहुत हमने ये वाला टाइम देखा स्टार्टअप्स को एक्सप्लॉयट होते हुए बहुत ज्यादा देखा और फिर ये जो शिफ्ट आना शुरू हुआ ये फिर पहला वीसी फंड आंखों के सामने आई थिंक लैक्सन एक्ष्टौरिटेश पहला वीसी फंड था पाकिस्तान का पहला पाकिस्तान बेस्ड वीसी फंड जिनके या फर्स्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान जिनके ये बैच ऑलमोस्ट हाँ। एक साथ ही एटलेक्सन और सरमाया रबील पाकिस्तान आया उसने सरमाया शुरू किया कुलसूम ने आईटीओ तो वेंचर्स बनाया आ, फैसला अफताब ने लैक्सन जॉइन करके लैक्सन वेंचर बनाया वेंचर कैपिटल इन्होंने फंड आई थिंक अली मुख्तार ने साथ ही टाइम फातिमा वेंचर्स बनाया फिर वो गोबी के साथ वो सारी की सारी सॉरी

Mm -hmm. no, अगर ऑन दी इन्वेस्टर साइडेस्टर में यार्चे इनको पता नहीं है बस सही है दस कह रहे हैं आपको ही वेस्टिंग स्क्यूल पर डाल दें वेस्टिंग स्कड्यूल में यह होता है बेसिकली कि मैं आपको पैसे दे, दे रही हूं और अभी हाँ। आप हंड्रेड परसेंट ऑफ हैं और मैं पैसे है? पर 49 भी अभी मुझे हो और अगले चार साल में आता आहिस्ता वो फोर्टी नाइन परसेंट आपको वापस ट्रांसफर होगा और ये मैं इसलिए कर रही हूं ताकि मैं इंश्योर करूं कि आप चार साल काम भी करते रहें ठीक तरीके से काम करें वैसे ही काम करें जैसे मैं काम करना चाहती हूँ और अगर आप गए इस चार साल से पहले

मैंने किसी को मैंने किसी कोफाउंडर फाउंडर का नहीं सुना जिसने ऐसे किया मगर चिक्षी उस टाइम पे हाँ उस जमाने तो उस जमाने में तो मतलब बिल्कुल और मतलब बहुत थोड़े पैसों के लिए राइट वही मैं कह रही हूँ तीस लाख के लिए हमने सिक्सटी परसेंट जाते हुए देखा mm. और फिर वो कंपनियाँ बंद हुई क्योंकि यू आर वेरी इट्स यू आर वेरी

एक्सप्ल्टेन तो मतलब मैं ऐसी ऐसी आपको कहानियाँ एक्सप्लेटेशन की सुना सकती हूँ और फिर जेंडर बेस्ड एक्सप्लेटेशन बहुत ज्यादा खुतिन के साथ तो बहुत ज्यादा मतलब खुवान को तो बड़े बाद तक कह लें कि लोग कहते थे नहीं तो आपने अगर बच्चा पैदा किया तो फिर क्या होगा तो आप मुझे, दे दे, दे, मुझे को majority, को दे, हाँ, मैं मर दूँ <laughs> <मैं मर्दू। laughs> या मुझे मेजोरिटी दे दें और आप माइनॉरिटी रखें क्योंकि देखें कल को आपने दूसरा बच्चा भी तो पैदा करना है तो फिर क्या होगा फिर आपकी कंपनी कौन चलाएगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है तो आप ऐसे कर लें ऐसे कर लाइक बहुत ज्यादा Are asked they are asked more उनसे बिल्कुल के बारे में उनको ट्रीट बिल्कुल किया और अभी तक भी किया जाता है तब तो बहुत ज्यादा था mm. तो मतलब हमने मैं और उमर हमेशा लोगों के वीड फ्रंट रो सीट्स जैसे कोई ड्रामा आप देख रहे हैं ना और आप बिल्कुल वो थिएटर में पहले उस पे वी हैड फ्रंट रो सीट्स टू सींग दिस इको गो फ्राम मतलब वो वो जहाँ पे बीस हजार डॉलर भी हैरानकुन था टू लाइक दिस क्रेज ऑफ लाइक मिलियन डॉलर राउंड

मैं स्टीव जॉब का भी सुन रहा था इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग हाउ लॉन्ग कैन यू डू इट इट्स नॉट सस्टेनेबल वेन द टफर गेट्स टफर और डिफिकल्ट सिचुएशन सो सो वट्स योर ओपिनियन के बिजनेस शुड बी बिल्ट आउट या कैन आउट ऑफ लाइक योर पैशन Yeah, just the, the need of the time. Yeah, one hundred percent your passion. So I'll give an example. Umar but or if Nane you're passionate about something hai. that right now in Pakistan, for example, there is not a need for that particular venture. Yeah, log mm usko -hmm. and you have observed that in, in the Western developed market, mm -hmm. right? When the when the time for it in Pakistan, it's way in the future, like five years into the future. But you are very crazy about. your गाड़ी बनाई है टेस्टा यार <laughs> पाकिस्तान में क्यों नहीं है हमारा इमेजिन इफ आई वॉज हैविंग दिस टेन टॉकिंग अबाउट के यार ऐसी गाड़ी बनाते हैं कि टेस्ला हाउ मच इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड वट नॉट गोज इन टू दैट लाइक जस्ट द पैशन यार टाइमिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल लाइक ने बोला था दैट इज क्वेश्चन इट

ब्यूटिफुल मार्जिन राइट वी डिड नॉट इन्जॉय इट एट ऑल बिजनेस चल रहा था इतना इतना अच्छा चल रहा था कि हमें अभी तक लोगों के मैसेज आते हैं कि आपने वो बंद कर दिया है हमने mm -hmm. एक ऑर्डर प्लेस करना था लाइक like, अभी तक भी लोग हमें ढूंढ रहे हैं उस बिजनेस के पीछे और ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा होता था और कुछ और हमें जहर लग रहा होता था क्योंकि वी डिड नॉट लव इट देर वॉज नो पैशन वी डिन नॉट है पैशन फॉर गिफ्टिंग एंड वी डिन नॉट है पैशन फॉर ई कॉमर्स वी डिन नॉट है पैशन फॉर गिफ्ट डिजाइन नैन ऑफ इट वॉज समथिंग दट एक्साइटेड राइट एंड वी वर डूइंग इट एंड वी न्यू एट वन पॉइंट कि यार अब इससे अगर इसको आगे ले जाना है ना तो हमें अपनी नौकरियाँ छोड़नी पड़ेंगी उसके बगैर नहीं जा सकता इससे आगे ये क्योंकि टाइम चाहिए इसको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको प्रोसेस करने पर एंड नाई दर फर्स्ट वॉज विलिंग एंड वी रियलाइज के वी डोंट लव इट पर जब मेट्रिक की बात आई तो बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट समथिंग दैट हैज टू डू विद वट यू नो दैट आर बिजनेस इज एंड उमर आई हैव डिफरेंट थिंग्स मे बी दट वी फील पेशनेटली अबाउट विद दिस पर बिजनेस वी आर विलिंग वी विल यू आर पैशनेट अबाउट मेट्रिक एप extremely why about. like yeah, uh, is this is because your background is in accountancy and mm. you have like sir I hate accounting I've the always good. hated accounting yes, but you the have worked with startups now? so basically my, what you are yeah. doing is helping all the SMEs yeah. right? my passion so is entrepreneurship is you must have seen businesses drown because of not having the right yeah. accounts being managed right yeah, or low yeah. पाकिस्तान में तो लोग वैसे भी टैक्सेस नहीं देते कि आपको अपने बिजनेस के नंबर्स जब तक पता नहीं है तो आप डिसीजंस भी कैसे ले रहे हैं किस डेटा की बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केटिंग में कितने पैसे लगाए या सेल्स पे कितने लगाए या इवन ये कि इस महीने कितना प्रोडक्ट बनवाएँ या कौन से प्रोडक्ट पर स्पेंड करें hmm. अगर आपके पास नंबर्स ही नहीं है अपने पिछले महीने के या इस पंद्रह दिन के तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और अगेन मतलब अक्रॉस पाकिस्तान दे हैव नो आइडिया दे हैव एब्सोलुटली नो आइडिया एंड लोग आर्बिट्रेली करें और ये वो लोग नहीं है जो हमारे बड़े शहरों में बैठ के ऑन्टरप्रिनरशिप कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए mm -hmm, मगर उनका mm -hmm. survival, और उनका सर्वाइवल उनकी फैमिलीज का सर्वाइवल उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनकी जिंदगी उनकी कम्युनिटीज की ग्रोथ उनकी सोसाइटीज की ग्रोथ इस मुल्क की ग्रोथ इन इनपे डिपेंडेंट है और अगर उनको उनके नंबर्स नहीं समझ आ रहे तो हर चीज़ के ऊपर एक कैप है mm -hmm. उससे आगे वो निकल ही नहीं सकते सो फॉर मी आई लाइक उमर टॉक अबाउट वट ही इज पैशनट अबाउट माई पैशन एंड माई कॉज इज़ द काज ऑफ ऑन्ट्रप्रनरशिप बिकॉज आई बिलीव के ऑन्ट्रप्रीनरशिप इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट इकनॉमिक फोर्सेज इन द वर्ल्ड ये हमारे मुल्क को चेंज कर सकता है क्योंकि ये एक कम्यूनिटी को चेंज करता है ये सोसाइटी को चेंज करता है ये फैमिली को चेंज करता है और ये इंडिविजुअल को चेंज करता है जब एक इंडिविजुअल एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाता है तो एक ट्रिपल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत वाइड होता है तो अगर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो हम जो काम करें ये फिनोमिनल होगा लाइक वी चेंज वी विल चेंज द वर्ल्ड विद व्हाट वी आर डूइंग बट बट व्हाट इज योर यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन विद विद दिस थिंग बिकॉज़ देयर आर अदर एप्स डूइंग द सेम हाउ यू आर डिफरेंट व्हाट्स लाइक USP. You want to talk about why I yeah, should you are Why let I let should come works. and and uh, sign up for for your app. So I just. The passion thing. and and the necessity thing and the timing thing. Like yeah. if you could like elaborate on that. Right. Is it just the passion? I somehow I hardly uh, would say that I am not disagreeing, but at the same time I will partially agree that uh, passion is somewhat mm -hmm. very important, but there are other aspects as well, and and they should go hand in hand mm -hmm. to make a best product, a best business out of that. 100%. So, so when I say passion passion I think a lot of people say this passion is cheese. Passion usually सोलूशन का नहीं होता इतना आपका पैशन प्रॉब्लम का होता है सो वट इज द प्रॉब्लम दैट यू ट्राइंग टू सोल्व एंड वट वाई आर यू पैशनेट अबाउट दैट प्रॉब्लम सो द प्रॉब्लम वी ट्राइंग टू प्रॉब इज के लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस टू इंक्रीज देयर इनकम टू सरवाइव एंड देर मेकिंग ऑल दीज एफर्ट्स एंड देर डूइंग फाइन but they cannot sort of succeed or get to the next level without help or who help for different forms and one of those forms is that business at the end of the day is about numbers is about cash flow finances. is about finances if they cannot track it then they cannot make decisions and their business will either die or if even if it survives to minimum level so who सो सो दैट ज मीडियम वी टैकल दो वी आर पैशन अबाउट द सोलूशन जो आपने कहा ना कि इस नेसेसिटी की मैग होना चाहिए कि देर इज अ रीज़न वी चोज दिस पाथ टू हेल्प ऑन्टोर टू सॉल्व वन ऑफ देयर प्रॉब्लम वो रीज़न अपनी जगह है बिकॉज हमने उसमें काम किए हमने वो प्रॉब्लम देखा अगर ये हो जाए ना तो इनका ये डेवलप हो जाएगा प्लस हमारी एक्सपर्टीज भी है पाउंडिंग टीम में प्लस हमारे नेटवर्क में सो वो चीज़ है बट द मेन थिंग इज के यार The problem of building a very small business is that they don't have help, they don't have support in multiple avenues. One of those avenues mm. is definitely financial management. This is a problem we think we can solve really well because mm -hmm. we've seen this and we are experts in this. And it's such a big problem that it can really scale. So don't obviously the solution you come up with is always linked to the passion, which is yeah. किस प्रॉब्लम को आप सो इंटरव्यूज में ना एक सवाल पूछते हैं जब कोई हम किसी को हायर करे होते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के पीएम बन जाते हैं अनडिसप्यूटेड पीएम रियल पीएम और पावर uh, आपके ओसे लिमिटेड हो और रिसोर्स भी आपके ऐसे लिमिटेड हो तो व्हाट पाकिस्तान के बड़े मसले हैं आप पहला मसला क्या सॉल्व करोगे mm -hmm. तो उससे आप गेज करते हो यार इस बंदे को यू नो कोई कहता है एजुकेशन कोई कहता हेल्थ कोई कहता है ये तो आपको समझ आती है कि यार किस चीज़ वो सोचते हैं वो प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचते हैं सो यस शुरू वहाँ से होता है एंड देन यू कम्बाइन विद वट कैन वी डू टू सोल्व इट हमारी एक्सपर्टीज हमारी लर्निंग यार इनको कोई बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग सोलूशन ही मिल जाए ना mm. तो ये अपना टेन परसेंट सिर्फ थर्टी परसेंट लेवल पे तो पहुंच जाएंगे पहुंचे बट इमेज बट दैट्स रेलिवेंट बट एस पी बट बट अगेन अगर आपका भी अकाउंटेंट्स अकाउंटेंसी uh, में बैकग्राउंड नहीं होता वुड यू स्टिल चूज दैट करियर दैट स्टार्टअप अप इन द अकाउंटेंसी इकोसिस्टम या कैटेगरी नॉट ऑनेस्टली आई थिंक how 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 much important is like your studies like expertise. your expertise expertise like so your actually, uh, masters like your research your phds when it comes to the startup so passion jo hai na woh sabse important aur pehla step hai aur iske baad jo aap jisse aap इसको triangulate करते हो ना अपने mm -hmm. किसी भी डिसीजन को जैसे अगर किसी पर्सन ने डिसाइड करना हो कि किस आईडिया पे काम करें मल्टीपल आइडियाज हों या वो डिसाइड करना चाहता हो किसमें आप पैशन से स्टार्ट करते हो दूसरी चीज़ जो आप देखते हो वो अपने रिसोर्सेज देखते हो रिसोस के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ आपकी एजुकेशन आपके नेटवर्क्स आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या घर में कोई है जिसने उस सेक्टर में काम किया hmm. हुआ है वो सारा कुछ आ जाता है so, और आपका टैलेंट सो एक्चुअली पैशन प्लस रिसोर्स और रिसोर्स में ज़रूरी नहीं है पैसे आए पैसे तो आप बाहर से ले सकते हो yes. राइट right? मगर अगर उन रिसोर्स में आपके पास नेटवर्क या टैलेंट या एक्सपर्टीज़ या इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग फॉर एग्जाम्पल वी नो समबडी हु हैज़ अ ट्रकिंग स्टार्ट लॉजिस्टिक स्टार्टअप स्टॉक चेन है उसका नाम वकास ख़ानजादा इज़ द फाउंडर वकास ने यह बिजनेस करने से पहले पता नहीं कितने साल टी सी एस और ऐसे बिज़नेसेस के mm. अंदर काम किया जहाँ पर वो लॉजिस्टिक सेक्टर में ही इन्वॉल्व था इट वॉज़ नॉट एग्जैक्टली वॉट ही इज डूइंग टूडे उसने उसके अंदर इनएफिशंसीज देखी और डिसाइड किया कि वो उनमें से निकल के कोई ऐसी चीज बनाना चाहता है जो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो उसने बार बार दिखा है ही इज द परफेक्ट फाउंडर टू बी डूइंग दिस राइट बिकॉज ही वॉज इन साइड एंड ही सॉ वॉट द चैलेंज वॉज इसी तरह एक दफ़ा एक लड़के ने मुझे पिच किया किसी पिचिंग कॉम्पिटिशन में और वो एक ऑनलाइन फार्मेसी सॉरी ऑनलाइन टेस्ट लैब्स का क्लिनिक बनाने की कोशिश कर रहा था मतलब ये आर ए फुल सिस्टम दैट ही वांटेड टू डिज़ाइन जिसमें आप एक डी किस्म का सिस्टम हो जाए आपके एनआईसी से कनेक्टेड है आपके सारे टेस्ट रिकॉर्ड्स कनेक्टेड हैं उससे आप किसी भी लैब से जा टेस्ट करें वो एन के साथ जब कनेक्टेड है तो आपके क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उसने बताया कि लोग टेस्ट कराते हैं कहीं सैलाब आ जाता है उनके रिपोर्ट्स hmm. गुम जाते हैं वो ऑनलाइन नहीं होते लोग अनडिजिटल तरीक़ों से कर रहे होते हैं वो जो लड़का था उसने छः साल किसी लैब में काम किया था मतलब एक्चुअल ब्लड ड्रॉ करने वाला जो एक काउंटर पे खड़ा होता है एक लड़का मेडिकल प्रोफेशनल वो वो था और उसने अंदर से किसी एक बहुत बड़ी लैब में काम करके इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर किया और रियलाइज़ mm -hmm. किया कि जो लोग आते हैं वो क्या स्टोरीज सुना रहे हैं उनकी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं उनका क्या मसला है कोई बार बार टेस्ट करा रहे है, तो उसने पिछले टेस्ट की रिपोर्ट किया उससे गुम गई रखी नहीं गई क्या मसले हुए इसकी बेसिस पे उसने वो सोल्यूशन डिज़ाइन किया सो hmm. अगैन so, वो रिसोसेज आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें नेटवर्क एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज अगर कोई डिग्री है तो वो ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी रेलिवेंट खाली और मगर अगर, अगर आपका पैशन है ना mm -hmm, तो वो रिसोर्स mm -hmm. आप ढूंढ लेते हैं मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पास वो टू स्टार्ट विद रिसोर्सेज नहीं थे कोई आज टेस्ला को देखता है और करना चाहता है उसके पास शायद रिसोर्सेज ना हो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या रिसोर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के मगर जो करना चाहता है ना वो फिर वो अगले तीन साल लगा के वो रिसोर्सिस बिल्ड करेगा और शायद वो तीन साल बाद अपनी स्टार्टअप लॉन्च करेगा बट इफ दे आर पैशनेट इनफ़ दे विल फाइंड द पाथवे टू दैट पॉइंट हाँ ब्रेक पे जाने से पहले uh, शायद ऑडियंस को पता ना हो कि वी हैड टू स्टॉप बिकॉज आई वॉज यूर यू आर काइंड ब्रेक आई वॉज होल्डिंग ਨਾਰਮਲੀ ਆਈ ਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਉ ਨਾ ਜਾਉ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬੀਲ ਕੇ ਸਾਥ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਯੂ نو ਆਈ ਆਮ ਹੈਵਿੰਗ ਥੀਸ ਲੌਂਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਲਿਟਰਲੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਈ ਬਲੈਡਰ ਫੋਰ ਲਾਈਕ 2 ਆਵਰਸ ਇਮੇਜਿਨ ਥੈਟ

that your founders, your phds hai, who have like their research done and in a particular area, the ratio, the probability of these uh, founders having a successful startup is much higher mm -hmm. comparatively to like young graduates, or mm -hmm. those unexperienced uh, entrepreneurs, kelo. what are you, your take on that? Like, so from a vc's perspective, uh, age is mein hai at least. Ke, uh, the more experienced you are, रिस्क थोड़ा मिडिकेट हो जाता है सो इट्स हाई रिस्क प्ले सो आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज में ना मिटिगेट कैसे हो रहा है तो उसमें एक्सपर्टीज और वो एक्सपीरियंस आ जाता है तो एक्सपीरियंस की वजह से एज आ जाती है रिसेंट ग्रेजुएट्स या ड्रॉप आउट्स वगैरह को बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है पाकिस्तान में शायद नहीं पर यू नो ग्लोबली मिलती है एंड देर अलॉट दम डू वेल बट देर स्टिल हायर रिस्क बिकॉज लेट्स फाइव मिलियन डॉलर टू समन जिसने कभी कैश मैनेज नहीं की किसी true. ने कोई कारपरेट इन्वायरमेंट में किसी डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में काम नहीं किया सो यू डोंट नो हाउ दैट पर्सन विल हैंडल द कैश इट्स सो लाइक द बेसिक वन दूसरा इफ दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यू वांट देम टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है और वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से आ जाता है hmm. तीसरा आपने बात की थी कि इन पाकिस्तान यूल सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स Uh, founders being funded to buy a separate honestly, but we do understand why and that is because uncavo Exposure view so if someone has been working in Silicon Valley, they already mm. know how the startup game works They've mm -hmm. probably they have have experienced they have a network mm -hmm. um, if someone Has a degree from Harvard mm -hmm. then the exposure that they have received the polish that they have received will definitely be higher so again i don't like agree with this practice we see a lot of homegrown founders of a dust i yeah. think the one i think

स्ट्रीट स्मार्ट yes. हो तो द परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट का भी पता है हो सकता है किसी के अबू ने उस सेक्टर में काम किया हो yes. और वो खुद बाहर से पढ़ के आया है, मगर उसने पूरी जिंदगी अपने अबू की वजह से उस सेक्टर की इंट्रिकीज को समझाए किसी का नेटवर्क है उस चीज़ के अंदर, so, मतलब ये ना बड़ा एक आर्बिट्री हो जाता है मतलब यंग यंग लोगों को शायद इसलिए भी मिल जाती है है, क्योंकि अगर आप एक पर्सन में इन्वेस्ट करें तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा mm -hmm, किसी mm -hmm, का अगर टॉटलर बच्चा नहीं है yes. तो उसके पास एनर्जी और टाइम जो है वो कहीं ज्यादा

आदमियों की भी औरतों की भी मेजर चेंजेस होती हैं डिस्ट्रप्शन होती है इमोशनल अपहीवल होता है प्रेशर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के तो उनका ख्याल है कि एक फाउंडर जो है जो दोनों चीज़ों से गुजर गया है ना अब उसकी लाइफ थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है mm. और वाकई वाकईन वी हैड अर फर्स्ट किट बी रियलाइज हैविंग योर फर्स्ट चाइल्ड आई नो दूसरे के साथ भी ऐसा ही होता होगा पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर मैरिज इवन राइट थिंग्स टार टू क्रम्बल थिंग्स टार्ट टू क्रैक अगर पहले कोई चीज़ वीक, वीक होती है वो जरूर उस वक्त टूटती है और फिर या यू रीबिल्ड एट या आप mm -hmm. बच जाते हो या जो भी निकल होता है बट इट पुट्स प्रेशर राइट इसी तरह वैन यू फर्स्ट गेट मैरिड द फर्स्ट ईयर इज़ वाई टर्बिलेंट तो वो टर्बिलेंस या डिस डिसरप्शन जो है वो कॉज होती है बच्चे के साथ तो आप थकावट भी ज़्यादा होने लगती है सो so, बहुत सारे लोग ये चीज़ें और अगेन मतलब एन आई इफ यूर इवेस्टिंग इन समबड़ी ट्वेंटी टू They might not have the network that somebody at 33 has, but they have a lot more energy mm. than somebody at 33 has. So it's so fascinating how mm. risk mitigation can be in so many different ways, right? Mm -hmm. There's one person who might look at me as a married woman with one kid and think, यार अब तो ये तुम मैरिड हो और एक बच्चा हो गया शायद दूसरा mm. भी करना हो तुम mm -hmm, तुम तुम तो तुम्हें मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता टू डू दिस फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स लुक्स एट मी एंड से शादी भी होगी बच्चा भी हो गया अब ये स्टेबल है <laughs> अब इस ये अगले दस साल काम कर सकती है इस चीज़ के ऊपर सो so ये जो पर्सन देख रहा है ना उसके अपने बायसेस ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे उसकी mm. अपनी थाट प्रोसेस उसने खुद जो देखा है वो जरूर रिफ्लेक्ट करेगा कहते हैं कि थर्टीज और फोर्टीज़ में जो फाउंडर्स हैं उन वो उनकी आई डोंट नो सक्सेस प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इमर्जिंग मार्केट्स खासतौर पे थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि अगेन इन इमर्जिंग मार्केट्स व्हेन यू आर वेरी यंग और हमारे यहाँ तो हम जब ट्वेंटीज़ में होते हैं तो हम बच्चे हमारे घर वाले yes. भी हमें बच्चा ही समझते हैं रहते हैं।, तो हम गर गर पे ही हैं।, हैं जब हम यूनिवर्सिटी में भी होते हैं उस वक्त हमारी फ़ीसें और सारे खर्चे पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं और हम वही बच्चे होते हैं जब यूके जाते हैं तो काम भी खुद करते हैं और फीसें भी अपनी खुद में एक्चुअली हम शादी के बाद ही एडल्ट माने भी जाते हैं और हमसे एक्सपेक्टेशन ऑफ आपकी शादी हुई yes. उस दिन वो बंद होगा और उसके बाद आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि अब आप बड़ों में कि इतने मतलब बड़े होने तक शादी होने तक इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो पेरेंट्स ही आपकी शादी करा रहे होते हैं हाँ। आप अपने से तो कुछ नहीं कर रहे होते। और में ah. मेरी क्लास में जो थे उस सारे लोग मेरे से दस दस साल बड़े थे I was the youngest in my class. और तब मुझे अच्छा वहाँ मेरी क्लास में लोग सवाल बहुत पूछते थे ना मैं यार इतने सवाल कौन पूछता है टीचर को जाने नहीं दे रहे मतलब हम कहते थे टीचर सवाल ah, ना पूछे बस करें घर जाएं yes. वो सवाल पे सवाल लड़ने खड़े हो जाते थे एक एक बाल की खाल तो मैंने एक दिन किसी को कहा मैंने कहा यार तुम लोग को तकलीफ क्या है तो उन्होंने कहा हम अपने पैसे लगा के आए होते हैं तुम्हारे मुल्क में माँ बाप के पैसों पर पड़े होते हो तुम लोग हम यहाँ पैसे जमा करते हैं उसके बाद हम डिग्री खरीद सकते हैं उन पैसों से तो हम अपने एक एक डॉलर का जोड़ेंगे या कर्जा लेके आए होते हैं पैसे खुद हमने वापस करने होते हैं तुम्हारे अब्बू ने पैसे दिए अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो तुम्हें क्या परवाह ड्यू थिंक स्टूडेंट लोन शुड भी लाइक इन पाकिस्तान के यार हमारे यहाँ पर बच्चे जो है माँ बाप के पैसों पर जो है पढ़ाई कर रहे होते कोई टेंशन ही नहीं होती है वी थिंक लाइक इट्स अवर राइट के अगर हमें उन्होंने दुनिया में इंट्रोड्यूस किया तो वो हमारी तालीम की एंटाइटलमेंट टाइप सो you यू फीटा तो डेफिनेटली है स्टूडेंट लोन से आगे मतलब ऑनस्टली वी आर in इन दैट पोजिशन पर आइडियली तो इट्स इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक इन लाइक स्केंडो कंट्रीज तक इट्स इट्स मोस्टली फ्री बट स्टूडेंट लोन्स लोन और क्रेडिट में वैसे ही बहुत पीछे आई थिंक डेफिनेटली इंट्रोड्यूस तो होने चाहिए बट विद द लर्निंग्स ऑफ हाउ इट कैन कॉज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जैसे यू एस वगैरह में यू एस वैरा में अब हो रहे हैं क्योंकि yes. वो एक्सपोर्टेटिव हो जाते हैं अब सिंपल एग्जाम्पल है आपकी पेमेंट अगर साल के एंड में पचास या दो लाख रुपये आपने देने हैं तो दो लाख वो इंटरेस्ट एक तो उस पर बहुत हाई होता है yes. और वो दो लाख आपके इंटरेस्ट से ही नॉक ऑफ करते हैं वो प्रिंसिपल से नहीं नॉक ऑफ करते तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स होनी भी चाहिए बट डेफिनेटली इट डज गिव अ लॉट ऑफ पीपल एक्सेस टू गुड एजुकेशन जिनको पहले ना मिलती तो आई डोंट थिंक फंडामेंटली इट्स स्ट्रॉन्ग आई थिंक होना चाहिए हमारे अगेन ओवरऑल क्रेडिट हम बहुत पीछे हैं या छोटे बिजनेस को कोई लोन नहीं देता या स्टूडेंट को कोई लोन नहीं देता तो उसमें आई थिंक काफ़ी हमारी जर्नी अभी बाकी है मतलब शुरू ही नहीं हुई You, we are all in our thirties, right? How how is your energy level in, in your thirties? Like, I feel to be frankly honest with you, because I have adopted some good habits. Mm. I trust me uh, up till like the age of thirty, the energy that I have, I feel like I have more energy mm. now mm -hmm. because of good eating habits, exercise habits. You you have tried that? I <laughs> think. When

Not just Umar Bhai is the victim here. <laughs> <laughs> but but coming to coming to ah uh, to to the economy right now in Pakistan like क्या yeah, is it the right time to have a startup to start a startup? What should we do like हालात बड़े हम फिर एक नाजुक दौर से दोबारा गुजर रहे हैं <laughs> हमारी और inflation का बिल्कुल inflation का आप सब को पता है जो कि मुल्क नहीं, का हाल है and and we are not seeing फ्लड्स uh, का अगर आप देख लें फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लें फिर ग्लोबली भी आप देख लें फिर यूरोप के हालात भी आप देख लें फिर यूक्रेन और mm. वहाँ की जंग भी आप देख लें एंड देन आपका ताइवान और चाइना वाला कन्फ्लिक्ट भी देख लें एंड देन नाउ देयर इज़ दिस

स्पेशली इन रिसेशन इन एनवायरमेंट और अभी तो हमने फुल रिसेशन देखी नहीं प्राइसेस अभी आहिस्ता आएंगे स्पेशली इन दैट इन्वायरमेंट यू आर योर बिगेस्ट एसेट योर रिसोर्सफुलनेस इज योर बिगेस्ट एसेट नौकरियाँ नौकरियाँ जाएंगी नौकरियाँ जाएंगी, जाएंगी आपकी गाड़ी जो हम कह रहे थे यार गाड़ी मेरी वो भी आहिस्ता आहिता कम वैल्यू की हो जाएगी या फिर आप रिप्लेस तो कर नहीं सकते क्योंकि सब कुछ ही बहुत महंगा हो गया सेम विथ प्रॉपर्टी आपके पास इतना टिकट साइज नहीं होता गया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करो यू और अगर नौकरी ना मिले यू योर ओनली होप इज़ ऑन्टरप्रिनरशिप एंड यू आर योर बिगेस्ट रिसोर्स ये मैं Absolutely. दो साल पहले एक मैं पॉडकास्ट एक और सुन रहा था और उसमें भी उसे पूछा था कि यार अगर दुनिया वो प्रिडिक्ट करे थे कि रिसेक्शन शायद आ सकती है mm -hmm. तो कह रहे थे अगर आए तो अभी किस चीज़ में इन्वेस्ट करें वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपर्ट ने कहा यार ये थोड़ा क्लीशेड आंसर है मैं देना नहीं चाहता पर ऑनस्टली बेस्ट पर्सन यू कैन इन्वेस्ट इन इज योर सेल्फ दैट इज सो ट्रू अपनी स्किल्स और अपनी लर्निंग इसमें कि जब वो पॉइंट आए यू कैन क्रिएट समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ एंड यू विल बी योर बिगेस्ट एसेट तो ये दो रीजन डेफिनेटली रिसेशन इज द बेस्ट टाइम what do you feel like is there like any business that is recession proof like hamaksa the recession proof or evergreen businesses is this like a cliche term yeah does this even exist like recession proof business so तो देखिए हमने ये देखना है कि दुनिया में जब कुछ भी हो रहा हो तो लोगों को उस वक्त क्या चीज़ चाहिए होगी और वो वो बेसिक्स हैं राइट सो आई थिंक जो बेसिक्स हैं वो उनको आप रिसेशन प्रूफ बहुत हद तक समझ सकते हो खाना लोगों को चाहिए हेल्थ केयर लोगों को चाहिए मतलब इन चीज़ों को अगर आप देखें एजुकेशन इवन जब लोगों का खाना और हेल्थ केयर और बेसिक सिक्योरिटी हो, होती है तो जो पहली चीज़ उनको याद आती है वो एजुकेशन ही याद आती है क्योंकि वो बच्चों की अपनी फ्यूचर एजुकेशन के बेसिस पे देख रहे होते हैं ये वो चीजें हैं जो रिसेशन प्रूफ हैं। रिसेशन में लोग लग्जरीज काटते हैं नेसेसिटीज नहीं कोई अफोर्ड कर सकता काटना ना 100 आपको हेल्थ केयर सो अगेन जब आप मतलब स्टार्टअप्स के परस्पेक्टिव से जब आप टेक्नोलॉजी ऐड करके उसको मजीद अफोर्डेबल बना देते हो मज़ीद एक्सेसिबल बना देते हो इसीलिए एजुकेशन में जो एड टैक्स हैं वो क्या करने की कोशिश करी हैं डिमोक्रेटाइज़ करी हैं एजुकेशन को एक्सेसिबल बना रही हैं सस्ता कर रही हैं हेल्थ टैक्स क्या करी हैं बेहतर क्वालिटी को ईजिली एक्सेसिबल और सस्ता बनाने की कोशिश करी हैं इवन अगर आप टेली मेडिसिन को देख लें राइट right? yes. कि आप किसी भी गाँव में बैठ के किसी बेहतरीन डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं बहुत कम पैसों पे दैट्स वॉट अ टेली मेडिसिन क्लिनिक इज ट्राइंग टू डू सो एक बुरी से बुरी सिचुएशन में भी दैट्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट पीपल विल कम टू वर्ड्स मतलब अगैन हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक ऐसा बिजनेस है जो रिसेशन प्रूफ है क्योंकि जब रिसेशन आएगा तो जो और सारे बिजनेसेस हैं वो अपने एक्सपेंसिस कम करेंगे और उसमें वो अपनी वो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहेंगे चाहे वो अकाउंटिंग पे हो चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट पे हो और तब उनको सोलूशंस चाहिए होंगे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हों और जो सस्ते हों जैसे कि मैट्रिक फॉर अकाउंटिंग राइट सो एनी थिंग दैट विल अलाउ पीपल

Uh, before we literally wrap, movie, romance economic yes, uh, crisis. अभी, तक अभी अभी तक life we there are many things that we can talk about, but keep it some for next time as well. <laughs> when you guys come over, we will talk about that as well. But uh, those who wanna know more about like your app, where they can find you and if they want to get in touch with you, where they can find you guys, the audience. So obviously our website metricapp.co. It's yes dot Right? Okay. So you can learn about the app there. Subhkojesh, what features and there? What pricing Our app is free to use. Awesome. Forever, if you want to, if you're a small business or you just want to check it out. Um, so you can download that on the Android <laughs> app. basic plan is free and You can always contact us on feedback at metricapp.co or support at metricapp.co mm -hmm. as well. Um, so yeah that's where you find us, you can find find can us on LinkedIn <laughs> yeah, और ऐप <laughs> के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा educational content भी है so अगर awesome. आप एक बिजनेस जिसको समझ नहीं आ रही कि क्या use करें या क्या चीज़ आपके business के लिए अच्छी होगी तो ऐप के अंदर बहुत सारी videos डली हुई हैं जो आपको डिफरेंट चीज़ों के मतलब सिखाएंगी जो बताएंगी इसको कैसे यूज़ करना है इसका क्या मतलब है आपके बिज़नेस के लिए तो मतलब हमने कोशिश की है कि, कि जितना ज़्यादा हम एजुकेशनल पीस उसके अंदर डाल सकें ताकि और सिम्प्लीफाई करने के गैन जो आप यू की बात करते कर हैं हम कोशिश करें हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो एक कम्प्लीटली अकाउंटिंग से अनसोफिस्टिकेटेड फाउंडर जिसको अकाउंटिंग नहीं आती जिसको नंबर्स बुरे लगते हैं जिसको नंबर से डर लगता है वो भी इसको यूज़ कर सके और उसमें कोई डरने की बात उसको ना लगे कोई परेशानी की बात ना लगे उससे उसको एन्जाइटी ना हो नंबर्स का सोच के ये हमारा मतलब जो उम्र कह रहा था ना कि मीना को अकाउंटिंग अच्छी नहीं लगती दैट इज़ अ रीज़न मुझे अकाउंटिंग नहीं अच्छी लगती मुझे नंबर से हमेशा से डर लगता है सो so हमारा मकसद ये है कि हम उसको ऐसा बनाएं कि मेरे जैसे लोग जिनको अकाउंटिंग से डर लगता है वो भी उसको खुशी से और ईज़िली यूज़ कर सकें So you know, we'd love for people to use it and reach out to us if they have any and then feedback. And mostly, you concerns. guys are active on on Insta or LinkedIn. I'm more active on Insta, but we're both very active on LinkedIn. Mm -hmm. uh, mm -hmm. You know, always available there for messages. Thank you very much, guys. I have literally shoot down like two plus hours of your this time and, of uh, and and delayed your dinner date as well. <laughs> so thank you very much again, and see you in the next one. Allah Hafiz.